करें स्टार्ट। कल क्या क्या पढ़ा था हमने? थोड़ा जोर से बोलो, फैन चल रहा है। कल हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बीसी, और एक चैप्टर और पढ़ा था जीएसटी काउंसिल। क्या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इसका क्या आर्टिकल है? थ्री थर्टी एट, ठीक है, इसका आर्टिकल है 338। इसका 338 ए, इसका 338 बी। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर आता है? 279 ए, बिल्कुल सही। और ये 350 बी, बिल्कुल। इनमें से सिर्फ यही था जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। वैसे वो एक ऑफिसर था पहले, फिर वो ऑफिस क्रिएट कर दिया था। और ये हो गए आपके सारे जो अमेंडमेंट्स से आए हैं। ये किस अमेंडमेंट से अलग अलग हुआ था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये किस अमेंडमेंट से आया? हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है 2102। और जीएसटी काउंसिल किस अमेंडमेंट से आया है? 101, बिल्कुल। और आपका स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका, हमने कल सारे करे थे। ये देखता है कि जितने भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ जी भैया दे दीजिए, जितने भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल और आपका जो स्टैट्यूटरी जितने भी लॉज हैं सेफगार्ड्स एससी के लिए एसटी के लिए बीसी के लिए गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना कि वो सही तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, उनको इंक्वायर करना, उनकी कंप्लेंट्स अगर आ रही है तो उसमें इंक्वायर करना, और फिर देखना कि इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पेपर पे नहीं है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितनी भी पॉलिसी मैटर्स होंगे रिलेटेड टू दीज थ्री सेक्शंस उसमें इनको कंसल्टेशन गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ेगी। तीनों के पास सिविल कोर्ट का पावर्स है। जीएसटी काउंसिल क्यों बनाया गया था? एक फोरम बनाया गया था ताकि जो स्टेट्स हैं और जो आपके सेंटर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए किसके लिए, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी रिजीम। जितने भी चीज़ें जीएसटी से रिलेटेड होंगी वो सब इस काउंसिल में डिसाइडेड होंगी। कौन होता है इसका चेयरपर्सन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसका चेयरपर्सन। इसके साथ साथ आपका एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता था जो रेवेन्यू फाइनेंस का हो सकता है। फिर स्टेट के एक एक मिनिस्टर होते थे और उसके साथ साथ एक परमानेंट इनवाइटी होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का सेक्रेटरी जो होता था, ठीक है, वो इसका परमानेंट इनवाइटी होगा टेक्निकल एडवाइस के लिए। इसके पास वोटिंग पावर्स नहीं होंगी। फिर हमने पढ़ा था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये किस लिए बनाया गया था? किस लिए बनाया गया है? ये बनाया क्यों है, ऑफिस क्यों बनाया गया है? हाँ, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और देखने के लिए कि जो भी पॉलिसीज इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही है, सिर्फ नाम के लिए इंप्लीमेंटेशन हो रही है। मतलब यही कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इस फील्ड में। फिर आइए, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। इसके साथ रीजनल इसके ऑफिसेस भी थे। अब जो ये है ये कमिश्नर इसको हेड करेगा और जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनको असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर्स ऐड करेंगे। इसके साथ साथ एक नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट होंगे जो किसके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा कल का रिविजन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कैग, विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। बी आर अम्बेडकर की नज़र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस था। क्यों था? सबसे पहले तो इसका आर्टिकल देख लेते हैं। कैग का, कैग का क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 148। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसकी प्रेसिडेंट ही होगी। और अब इसका इम्पॉर्टेंस पे बात आती है कि ये इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काम क्या करता है। ये बेसिकली देखता है कि जितना भी पैसा सरकार का खर्च हुआ है या जितना भी पैसा सरकार के पास आ रहा है, जितनी भी पीएसयूज़ हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, स्टॉक्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, जितने भी,
उन सब का क्या देखेगा कि जो एक एक पैसा खर्च हुआ है क्या वो सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सबसे पहले देखता है कि क्या वो जो मनी खर्च हुई है वो लीगली अवेलेबल थी या नहीं थी, ठीक है, मतलब कहीं और से इलीगल मीन से वो पैसा लाके तो खर्च नहीं किया सरकार ने, वो पैसा एक्चुअली सरकार को दिया गया था या नहीं दिया गया था, तो पहले वो देखता है कि जो मनी खर्च हुआ है वो लीगली अवेलेबल था या नहीं था, ठीक है। उसके बाद वो ये देखता है कि जब पैसा खर्च हो गया पैसा, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही, ये सारा जब कैग का रोल जो प्ले करते हैं वो आता है बाद में, जब पूरा पैसा जो है वो खर्च हो गया उसके बाद आप करोगे, तो ये एक ड्रॉबैक भी है कैग का। उसको बोला जाता है कि कंट्रोलर का काम नहीं कर रहा है वो, सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम कर रहा है, इसीलिए क्योंकि कंट्रोलर क्या करता था, खर्च होने से पहले एनालाइज करता था कि खर्च वाजिब होगा या नहीं होगा, लेकिन इंडिया में कैग जो है वो खर्च होने के बाद आपकी आप पे देखता है कि आपने इस मिनिस्ट्री के इस डिपार्टमेंट ने ये गलत खर्च किया, इस हेड के अंदर ये गलत खर्चा हुआ है। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक फ्लॉ भी है कैग का कि हमने इसको पावर तो दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन उसका कंट्रोलर का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ ऑडिटर जनरल का रोल है। वंस द एक्सपेंडिचर इज डन उसके बाद इसका रोल आता है, ठीक है, तो वो एक फ्लॉ है। अब मनी पहले ये देखेगा लीगली अवेलेबल है या नहीं है, फिर ये देखेगा कि जब मनी लीगली अवेलेबल थी तो क्या वो मनी एग्जैक्ट जितने अमाउंट में खर्च होनी चाहिए उतने अमाउंट में ही खर्च हुई है ना, लैविश खर्चा तो नहीं हुआ, वेस्टफुलनेस तो नहीं हुई, ठीक है, तो ये देखती है। ये तीन ऑडिट करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑडिट, प्रोप्रियोटी ऑडिट होता है, अप्रोप्रिएशन ऑडिट होता है, अलग अलग ऑडिट होते हैं इसके। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि मनी लीगली अवेलेबल था या नहीं, और अगर था और खर्च हुआ तो क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट में खर्च हुआ, जितना जिस चीज़ के लिए अलॉट किया गया था उसमें खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो कैग का यही काम है, इसलिए इसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जितना भी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स यूटीज से पैसा निकल रहा है, वो चेक करेगा कि एक एक पैसा जो है वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा तो नहीं हो रहा है। अब कैग इसलिए इतना इसको इम्पोर्टेंस, अब देखो इसका ये देखते हैं कि पहले ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको कॉल कर सकता है, अगर आपने जहाँ पे गलत पैसा किया है उसकी रिपोर्ट में वो लिख सकता है कि इस मिनिस्ट्री ने फालतू का खर्चा किया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को होल्ड कर रहा है, किसकी, एग्जीक्यूटिव की टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। कैग के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कैग अपनी डायरेक्टली रिपोर्ट पार्लियामेंट को देगा, देगा प्रेसिडेंट के थ्रू ही, लेकिन वो आंसरेबल सिर्फ पार्लियामेंट को है, कोई और मिनिस्टर कैग को क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैग सिर्फ अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा क्योंकि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और वो प्रेसिडेंट उसकी रिपोर्ट कहाँ रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा। कैग इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी डिपार्टमेंट एनी मिनिस्ट्री, वो सिर्फ आंसरेबल है टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पार्लियामेंट के सामने रखेगा वो अपनी रिपोर्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, तो इंपॉर्टेंस ये भी आ गई कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, किसकी, ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, टूवर्ड्स लेजिस्लेचर, कि आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर सकते हो कि इस मिनिस्टर ने इतना पैसा क्यों मांगा था, इस मिनिस्टर ने इतना पैसा गलत खर्च किया है, इतने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस। अब इसका फ्लॉ यही आएगा कि ये सिर्फ खर्चा होने के बाद ही आप पे रिपोर्ट बना सकता है, तो फ़ायदा क्या है, पैसा तो खर्च हो गया ना, अब फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप रिपोर्ट बना भी दिया आपने और आपने बोल भी दिया उस मिनिस्ट्री के बारे में नेगेटिव, लेकिन पैसा तो वेस्ट हो चुका है, इसलिए इसको फ्लॉ बोला जाता है। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, और वो हो गया उसका नेगेटिव पॉइंट की आपको कैग पे अगर मेंस में भी कोई आंसर लिखने को आता है तो बेसिक आप 4-5 लाइनें तो लिख ही सकते हो कि आर्टिकल क्या है इसका, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर की नज़र में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस माना गया था, तो ये आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि कितने टाइप के ऑडिट करता है, जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, 3 टाइप के ऑडिट करता है। अब आपको याद आ रहा होगा हमने फाइनेंशियल कमिटीज़ में पढ़ा था, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और एस्टिमेट्स कमिटी। एस्टिमेट्स कमिटी को हटा दीजिए, वो बजट से रिलेटेड है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, हमने देखा था कि वो कैग की रिपोर्ट पे ही रिपोर्ट बना रहे थे, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करके फिर अपनी रिपोर्ट दे रहे थे वो, तो वो उनको भी बोला जाता था पोस्टमार्टम कमिटी की, एक बार खर्चा हो गया उसके बाद आप बना रहे हो ना रिपोर्ट, पहले तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैग का भी वही काम है। अब जब कैग ने मान लीजिए रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट दे दी उसने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के सामने रख दी, अब वो जो कमिटीज़ बनी हुई है ना पार्लियामेंट में, अब सबको तो कैग की रिपोर्ट समझ में आएगी नहीं, सारे मिनिस्टर्स के पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है कैग की सारी चीज़ों को समझने का, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है,
ऑडिट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसके लिए प्रॉपर ऑडिटर्स होते हैं, प्रॉपर प्राइवेट ऑडिट कंपनीज होती हैं जो CAG जिनको अपॉइंट करता है या CAG खुद भी कर सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे कितने टाइप का ऑडिट होता है। तो अब उसमें क्वेश्चन ही आता है कि आप जब पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रख दोगे तो ज़रूरी तो नहीं है सारे मिनिस्टर्स को रिपोर्ट समझ आएगी, क्योंकि वो स्पेशलाइज रिपोर्ट है। तो फिर उस रिपोर्ट पे भी एक रिपोर्ट बनती है, वो किसका काम होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का काम है कि वो एग्जामिन करेगी CAG की रिपोर्ट को और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगी अपनी। याद आ रहा है जो फाइनेंशियल कमिटीज़ पढ़ी थी हमने, फिर एक हमने पढ़ा था कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी। तो अब CAG क्या करता है, CAG सरकार पे तो बना ही रहा है रिपोर्ट, सरकारी जो आपके ऑफिसेज हैं डिपार्टमेंट्स हैं इन पे तो रिपोर्ट बना ही रहा है, CAG उनको भी ऑडिट कर सकता है जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो महारत्न कंपनीज होती, नवरत्न कंपनीज होती हैं, इन पे भी इनके अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है कि हाँ पिछले साल आपका इतना पैसा खर्च हुआ था, इस साल आपने कम पैसा खर्च किया इन्वेंट्री पे या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो कंपनीज होती हैं उस पे भी CAG रिपोर्ट बनाता है, तो वो वाली रिपोर्ट कौन एनालाइज करता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये दोनों कमिटीज़ हैं, ये क्या करती हैं, CAG की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती हैं और फिर उस पे अपनी रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में रखती हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? तो CAG इसलिए बोला जाता है, CAG एक्ट्स एज अ गाइड फिलोसोफर फ्रेंड टू पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। क्यों? क्योंकि उसकी रिपोर्ट पे ही तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिपोर्ट बना रही है अपनी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद बाहर जाके तो ऑडिट कर नहीं रही, वो काम हमने CAG को दिया हुआ है, ऑडिट करने का काम पूरा CAG कर रहा है, उस पे CAG अपनी रिपोर्ट बना रहा है, लेकिन उस रिपोर्ट पे जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जा रही है वो आपकी कमिटीज बना रही है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? CAG कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आर्टिकल 148। इसमें अगर आपको मेंस में भी कुछ लिखने को आया, करंट अफेयर्स से रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो CAG के बारे में लिखनी ही लिखनी है उस क्वेश्चन में, फिर जो करंट अफेयर्स से पूछा हुआ है आपको वो रिप्लाई करना है। क्लियर, ठीक है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक और बात, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। शिमला में इसका हेडक्वार्टर है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, IAS में जिनकी 500-600 के करीब जिनकी रैंक आती है UPSC में, उनको ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज मिलता है, इसका हेडक्वार्टर शिमला में है और इसका जो हेड होता है वो CAG होता है, ठीक है। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल्स, सेंटर एंड द स्टेट। क्या मैंने ऐसे बोला कि CAG सेंटर के लिए अलग होगा, स्टेट के लिए अलग हो? नहीं, ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द रीजन वाई बी आर अम्बेडकर सेड दैट द CAG शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, द अदर्स बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड द UPSC। क्लियर, आगे समझ में यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, द CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वॉरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। द CAG बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर द प्रेसिडेंट एन ओथ ऑफ अफर्मेशन। तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो गई आपकी प्रेसिडेंट। जितने भी ड्यूटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जितनी भी ड्यूटीज हैं CAG की, जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ी थी पार्लियामेंट पे। आर्टिकल 148 में कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ी है पार्लियामेंट पे, और पार्लियामेंट ने इसके लिए एक एक्ट निकाली है, CAG एक्ट 1971, ठीक है। जब भी आपको ये एक्ट याद रहेगी फिर वहाँ पे आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ड्यूटीज़, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं, वो हमने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ी थी, इसीलिए पार्लियामेंट ने उसके तहत एक एक्ट बनाई है, CAG एक्ट 1971, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। चलिए, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। वही अगेन, इसका भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इसलिए 6 ईयर्स इसकी टर्म होगी और 65 ईयर्स अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ही कैन रिजाइन एनी टाइम। अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही देगा, तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा। अब जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे थे तभी भी हमने बोला था, याद आ रहा होगा आपको, कि इलेक्शन कमीशन का रिमूवल भी
ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर हो सकता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसका भी सेम वही है. कैग का रिमूवल जो होगा करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट एब्सर्डली इसको कभी भी नहीं निकाल सकता है. इसको सेम ग्राउंड्स और सेम मैनर में, क्या क्या ग्राउंड्स थे वो, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, बैंकरप्सी जो चार थे, इसके अलावा मिसबिहेवियर भी था. फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अगर मिसबिहेवियर का केस है तो. कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर भी डिफाइन किया गया, अगर आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, उसके प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्टेड हो. ये सब हम पढ़ चुके हैं इलेक्शन का उसमें, हाँ इलेक्शन कमीशन वाले भी पढ़ चुके हैं और यूपीएससी में भी आई थिंक पढ़ चुके हैं. इलेक्शन कमीशन में भी है आई थिंक, इलेक्शन कमीशन में भी है. करो चेक, इलेक्शन कमीशन वाले में भी और यूपीएससी में भी है. यूपीएससी में मिसबिहेवियर वाला है और इलेक्शन कमीशन वाला है जो सेम है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब कैसे रिमूव होता था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, क्या होता था वो, कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है. ठीक है, उसके बाद जिस जो हाउस इनिशिएट करेगा 100 मेंबर्स लोकसभा के और 50 मेंबर्स राज्यसभा के होने चाहिए. फिर स्पीकर चाहे तो स्पीकर बोल सकता है कि नहीं मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ इस मोशन को. अगर स्पीकर ने एडमिट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमिटी बैठती है, 3 मेंबर इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आई थिंक वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वाला था ना ये सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से निकलेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए ये. ठीक है, तो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होता था वैसे ही आपका कैग रिमूव होगा, वैसे ही आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव होगा और उसके मेंबर्स भी. ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन हमने पढ़ा था उसके जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर था और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स थे, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड कैसे, एज सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी कैग जो है सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होगा. क्या क्या ग्राउंड्स थे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो इसके भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ही होगा. तो सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब आइए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या लिखा है. कैग ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, थर्ड पार्टी का काम कर रहा है कैग, ऑडिट कर रहा है गवर्नमेंट को, कितना इंपॉर्टेंट काम है, तो उसका न्यूट्रल होना कितना ज़रूरी है, उसका इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई हैं जो इसे मोर एंड लेस इंडिपेंडेंट बनाता है. सबसे पहला कि इसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता अपनी मर्जी से. ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. भले ही इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है लेकिन, और भले ही इसकी निकालने वाली अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट ही होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट इसको कभी भी निकाल सकता है. इसको एक प्रॉपर मैनर में और दो जो ग्राउंड्स मैंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरीके से निकाला जा सकता है. ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोसीजर मैंशनड है इसको रिमूव करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मैंशन. बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके तहत जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाई गई है. ठीक है, Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him. अब यही स्टेटमेंट आपका वहाँ पर लिखा आ जाएगा that CAG holds office during the pleasure of the president. तो फिर आप इसको सही करोगे या गलत करोगे तो इसके साथ रीजनिंग याद होगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये तो जज की तरह ही रिमूव होगा और जज का तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैंशनड है, इसलिए ये चीज़ गलत है. चलिए, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस. इसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हमने बोला है कि ये कहीं भी फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर. थर्ड, हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. अब सैलरी तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा. हमने यहाँ पे बोला जो भी इसकी सर्विस कंडीशंस है, मतलब ड्यूटीज, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी हमने बोला पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी. तभी पार्लियामेंट ने कैग एक्ट 1971 निकाला है. हिज सैलरी किसके इक्वल है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. निकाला भी इसको कैसे जाएगा, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नीदर इज सैलरी नॉर इज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी ऑल्टर टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. एक बार आपने उसकी अपॉइंटमेंट कर दी तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके टर्म के बीच में आपने उसकी रिटायरमेंट एज कम कर दी या सैलरी कम कर दी या लीव्स कम कर दी. ठीक है, द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट
एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द कैग आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग. जो भी इंडियन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है आपका, उसकी जितनी भी सर्विस कंडीशंस होंगी, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, वो कैग के साथ कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड किए जाएंगे. किस कौन डिसाइड करेगा इसको? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इंक्लूडिंग जितनी भी सैलरीज होंगी, जितना भी ऑफिस का खर्चा होगा, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दे आर नॉट वोटेड अपॉन. ठीक है, हर साल इस पर वोटिंग नहीं होगी. दे आर चार्ज्ड बाय द चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. फर्दर नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट. इसका यही मतलब है कि कैग इज नॉट आंसरेबल टू एनी मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट. ही इज आंसरेबल टू द इंटायर पार्लियामेंट. ठीक है, उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि हाँ मैं कैग से आया हूँ. नहीं, क्योंकि कैग जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है. नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शंस डन बाय हिम. क्लियर? कैग जो है वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की रिपोर्ट नहीं देगा, वो पूरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करेगा. फिर वो ब्लेम मिनिस्टर पे ही आएगा क्योंकि आप इंचार्ज मिनिस्टर के थे. वैसे किसी मिनिस्टर पे उंगली नहीं उठाएगा. और कोई मिनिस्टर भी किसी ये नहीं बोल सकता कि मैं कैग से आया हूँ, मैं कैग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इस मिनिस्टर पे इस डिपेंडिंग अपॉन दिस रिपोर्ट मैं इस मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ. नहीं, कैग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और कोई भी मिनिस्टर उससे ऊपर नहीं है. वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और वो प्रेसिडेंट रिपोर्ट के सामने कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट के सामने रखेगा. नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शंस डन बाय हिम. ठीक है, अब आइए ड्यूटीज एंड पावर्स. यहाँ तक कोई डाउट है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जब हम बोलते हैं तो आपको समझ आ गया कि क्या मतलब है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का? क्या मतलब है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का? क्या मतलब है दैट कैग हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उसका क्या मतलब है? हाँ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है? हाँ, एग्जैक्टली. मतलब तो यही है ना इसका. टेन्योर मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है, तो हैफजैडली अचानक से आपको नहीं निकाला जा सकता. आपको एक फिक्स्ड मैनर में ही निकाला जाएगा और फिक्स्ड ग्राउंड्स के बेसिस पे ही निकाला जाएगा और आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही आपको निकालेगी. इसका ये मतलब है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का. ठीक है, कि आप अपना काम न्यूट्रैलिटी के साथ. हाँ, और क्यों देते हैं हम सिक्योरिटी, वो आपका जवाब आएगा कि हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्यों देते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर को, ताकि वो अपना काम न्यूट्रैलिटी के साथ विदाउट एनी फियर काम कर सके. नहीं तो अगर उसे यही डर होगा कि ये मिनिस्टर मुझे निकाल देगा तो फिर वो काम डर डर के ही करेगा, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कैग जैसे ऑफिस को बनाने का. क्लियर? चलिए अब आते हैं हम इसके पावर्स और ड्यूटीज़ देखते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ऑथराइज किया है? पार्लियामेंट को ऑथराइज किया. ये मैंने यहीं पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 149, ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स आता है आपका 149. तो 149 में ही लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं, वो पूरी ड्यूटीज पावर्स और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को डिफाइन करेगा. उस पावर के तहत अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनएक्टेड द कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971. This act was amended in 1976 to separate audit and account to separate accounts from audit in the central government. Duties and functions of the CAG as laid down by the Parliament and the Constitution are. अब एक एक करके इनकी duties पढ़ते हैं. क्या करता है audit का मतलब क्या पता है ना सबको? audit का क्या मतलब होता है? हाँ, हर कंपनी में होता है audit. ऐसा नहीं है कि government में ही हो रहा है, हर private company में होता है. एक social audit होता है, एक financial audit होता है. ये सारे audit basically कि चेक रखना कि पैसा सही जगह पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक एक पैसा जितना भी निकला गया है, क्या वो सही तरीके से निकला हुआ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, और उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. इन तीनों अकाउंट्स को देखेगा और देखेगा कि इनमें से जितना भी खर्चा हुआ है, सारा खर्चा जो है वो
सही तरीके से ऑडिट करेगा और देखेगा कि सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है. सेकेंड पॉइंट, ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंटेंजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट. अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता था, एक आपका कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता था और एक आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता था. तीन तरह के फंड्स पड़े थे हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में. तो इससे भी खर्चा देखेगा ही देखेगा, कंसोलिडेटेड फंड से तो देखेगा, इसके साथ साथ कंटेंजेंसी फंड जो था ना आपका, जो इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, उस पर भी चेक रख सकता है ये, यूनियन के भी और हर एक स्टेट के भी, और पब्लिक अकाउंट भी यूनियन का पूरा और हर एक स्टेट का भी पब्लिक अकाउंट, सब पे चेक रखता है ये, सबको देखता है कि खर्चा जो है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है. ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स kept by any department of the central government and state governments. जितनी भी ministries हैं, जितने भी departments हैं, पूरी union government के भी, सारी state governments के भी, सबका एक record maintained होता है हर financial year का, कि इतना हमने पैसा receive किया था, इतना इतना हमने इसमें use किया गया, वो पूरे records check कर सकता है, audit कर सकता है और देख सकता है कि किसका पैसा किस जगह पर सही तरह से लगा हुआ है या नहीं. He audits the receipts and expenditure of the center in each state to satisfy himself that the rules and procedures in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue. सबसे पहले तो वो क्या करेगा, हर एक स्टेट के और हर एक सेंटर का जितना पैसा आया है और जितना पैसा गया है उस पूरे अकाउंट्स को चेक करेगा, देखेगा कि जितना पैसा आया गया था क्या वो सही जगह पे इस्तेमाल हुआ या नहीं. उसका मेन चीज़ यही होती है कि पैसा सही तरह से अवेलेबल था या नहीं, और अगर था तो सही जगह पे यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, फिर देखेगा वो कि कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं. पहले तो रिकॉर्ड क्या के पास ये पावर भी है ना कि वो आपके रिकॉर्ड मेकिंग को भी क्वेश्चन कर सकता है कि कैसे रिकॉर्ड्स बनाए आपने. अगर आपने फाइल्स अच्छी मेंटेन नहीं करके रखी हैं तो वो उसको भी निग्लेक्ट कर सकता है कि आप फिर से दोबारा रिकॉर्ड बनाइए, ढंग से बनाइए ताकि हमको समझ में आए कि कैसे रिकॉर्ड कीपिंग की हुई है आपने अपने डिपार्टमेंट में. ठीक है, तो रिकॉर्ड कीपिंग भी चेक कर सकता है, उसके बाद रूल्स और प्रोसीजर भी चेक कर सकता है कि कौन से रूल्स और प्रोसीजर्स आपने फॉलो किए थे, प्रॉपरली उसको असेस कर सकता है, और जो रेवेन्यू आपका आया वो आपने कहाँ एलोकेट किया उसको भी देख सकता है. पाँचवा पॉइंट, ही ऑडिट्स द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग All bodies and authorities substantially financed from the central or state revenues. कि जितनी भी bodies हैं, जितनी भी organizations हैं, जिनको funding कहाँ से मिल रही है, central या state government से मिल रही है, और major chunk वहीं से मिल रहा है. ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ अब ये government का पैसा है तो मैं आपके account को audit कर सकता हूँ. Government companies हैं जो भी आपकी, जिसमें major shareholding government की होती है, उनको audit कर सकता है. तीसरा, other corporations and bodies when so required by related laws. मतलब अगर स्पेसिफिकली कोई लॉ बना गया एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को भी एनालाइज करने के लिए, तो उसको, उसके अकाउंट्स को भी ऑडिट कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड पावर्स हैं कैग के, कि वो गवर्नमेंट को तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड कंपनीज को भी कर सकता है और प्राइवेट कंपनीज को भी आगे हम पढ़ेंगे कर सकता है. ठीक है, ही ऑडिट्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू डेब्ट सिंकिंग फंड्स डिपॉजिट्स एडवांसेस सस्पेंस अकाउंट्स एंड रेमिटेंस बिजनेस. ही ऑल्सो ऑडिट्स रिसिप्ट स्टॉक अकाउंट्स एंड अदर्स विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और वेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट. जो भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन हुए हैं, डिपॉजिट्स हुए हैं, जो भी बाहर से आपके रिश्तेदार हैं वो आपको पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस जिसको बोलते हैं, उन सबको, जो आपके स्टॉक्स हैं, आपके शेयर्स हैं, इन सबको भी ऑडिट कर सकता है. ठीक है, उसके साथ साथ क्या कर, ये जो शेयर्स और स्टॉक अकाउंट्स होते हैं इसको वो प्रेसिडेंट की परमिशन से करेगा. इसको वोलेटाइल मनी बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसको प्रेसिडेंट की परमिशन से करेगा, और जब प्रेसिडेंट बोलेगा तब भी कर सकता है. ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉर एग्जाम्पल द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज. हमने देखा था कि जो हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ रहे थे उसमें ऑडिट का भी एक वो था प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, टाइमली ऑडिट होना चाहिए. तो ऑडिट में आप, अगर प्रेसिडेंट ने बोला है स्टेट के कि हाँ, प्रेसिडेंट ने बोला कि इस स्टेट के पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए ऑडिट में हेल्प कीजिए, तो क्या कर सकता है. अगर गवर्नर ने बोला है तो वो भी हेल्प कर सकता है. फिर आइए, ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल बी कैप्ट. ये आर्टिकल 150 है. 48 तो हो गया आपका कि कैग होगा, 149 हो गया आपका कि कैग एक्ट बनाई गई है जिसके तहत, और फिर आया आपका 150. इसका जो पावर है वो ये है कि किस फॉर्म में सेंटर और स्टेट्स को अपने रिकॉर्ड बना के रखने चाहिए वो कैग बताएगा.
है ना, कैग बोलेगा कि हाँ इस तरह से रिकॉर्ड मत की बनाइए, अच्छी तरह से रिकॉर्ड बनाई, तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि किस फॉर्म में आपको अपने रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, सेंटर को और स्टेट्स को. क्लियर? अब आइए नाइन्थ. ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ये हो गया आपका आर्टिकल 151 कि ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट कहाँ रखेगा उस रिपोर्ट को, बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये हो गया आपका 151. ही असर्टेंस एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी. His certificate is final. The net proceeds means the proceeds of a tax or a duty minus the cost of collection. जब हम ये financial relations पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि net proceeds of a tax क्या होता है, final जो पैसा बचता है उसके पूरे collection में जितना पैसा लगा होगा. मान लीजिए गाड़ियाँ लगी होंगी उसके collection में, बिजली लगी होगी, computers लगे होंगे, internet लगा होगा, staff की pension, staff की salary लगी होगी, वो सारा खर्चा हटा के जो final खर्चा बचता है आपका वो होता है actual collection, जिसको net proceed बोलते हैं tax का. जब वो कलेक्ट हो जाता है ना उसके बाद भी कैग ना उसको चेक करता है प्रॉपरली कि आपने कहाँ खर्चा किया है, नेट प्रोसीड सही तरह से लिया है या नहीं लिया है, आपने बेफिजूल के खर्चे तो नहीं दिखा दिए, किसी और ऑफिसर ने बीच में पैसा तो नहीं मार लिया, फिर उसको फाइनल रिपोर्ट को चेक करके वो साइन करता है. तो उसका सर्टिफिकेशन जो होता है वो फाइनल होता है. ही एक्ट्स एज अ गाइड फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि उनकी रिपोर्ट्स को क्या करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है. फिर आया ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. देखो दो फंक्शंस हैं इसके अंदर, कंपाइलेशन करना और फिर उसको मेंटेन भी करके रखना. तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में कंपाइलेशन और मेंटेनेंस दोनों को काम अभी भी कैग कर रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अब ऐसा नहीं है क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया कंपाइलेशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट और अकाउंट को. तो अब उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है. ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिगार्ड टू द कंपाइलेशन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स. अभी सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट के मेंटेनेंस और कंपाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया क्योंकि हमने ऑडिट को अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है. तो अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करके रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अभी भी मेंटेनेंस और कंपाइलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कैग की है. ये याद रखना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अलग अलग हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स के केस में अभी भी ऑडिट और अकाउंट्स सेम ही है, इसलिए दोनों काम कौन करता है आपका, कैग करता है. The CAG submits three audit reports to the President. अब ये तीन तरह की audit reports submit करता है. सबसे पहली appropriation accounts पे report, दूसरी finance accounts पे report और तीसरी public undertakings पे report. जो appropriation मतलब जितना भी खर्चा हुआ है government का वो सारा कहलाता है appropriation. जितना भी पैसा आया है government के पास वो आता है आपका finance accounts में, ठीक है. तो appropriation accounts क्या हो गया, जितना भी expenditure वाली side है, और फाइनेंस अकाउंट्स क्या हो गया आपका, जितने भी इनकमिंग पैसे वाली साइड है, और पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ये तीन रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को. द प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट्स बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. अच्छा, ये उन्हीं रिपोर्ट पे पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये जब रिपोर्ट बनाता है ना, जैसे इसने पब्लिक अंडर PSUs जो है उस पर रिपोर्ट बनाई, ठीक है, कैग ने PSU पे रिपोर्ट बनाई. अब इसकी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो एग्जामिन करेगी आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और कुछ रिपोर्ट जो है वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एग्जामिन करेगी, ठीक है. जो रिपोर्ट ये एग्जामिन कर रही है ना, फिर ये वाली कमिटी बीच में नहीं आएगी उसके, हमने पढ़ा था जब हम कमिटीज पढ़ रहे थे. कैग ने रिपोर्ट बना दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, कैग ने अपनी रिपोर्ट बना दी. अब दो कमिटीज हैं जो इस रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगी, एक हो गई आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी और एक स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाई गई है वो है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. जब ये कर रही होगी ना तो ये बीच में नहीं आएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये दोनों अलग अलग रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेंगे, एक रिपोर्ट में लड़ाइयाँ नहीं करने लगेंगे क्योंकि बनाई जो स्पेसिफिकली वो ये वाली कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है. तो तीन तरह की रिपोर्ट्स करते हैं, कौन कौन से, एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, एक फाइनेंस अकाउंट पे और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे. और ये तीनों रिपोर्ट प्रेसिडेंट किसके सामने रखेगा, पार्लियामेंट के सामने रखेगा. आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग्स टू द पार्लियामेंट. The appropriation account compare the actual expenditure with the expenditure sanctioned by the parliament through the appropriation act, while the finance account show the annual receipts and disbursements of the union government. Appropriation खर्चा देख रहा है, finance account incoming पैसा देख रहा है, ठीक है. अब appropriation act हमने पढ़ा था जो पास की जाती थी after the budget has been passed,
तो जब बजट पास हो गया उसके बाद अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होगी। अप्रोप्रिएशन एक्ट क्या करेगी, सैंक्शन करेगी कि भाई CFI से, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे इतना इतना पैसा इतनी इतनी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में जा रहा है, इसको मैंने सैंक्शन कर दिया है। मतलब जो अप्रोप्रिएशन बिल था वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन चुका है। अब जब वो एक्ट बन गया, मतलब सैंक्शन तो हो गया पार्लियामेंट से पैसा, ठीक है। अब जब वो पैसा सैंक्शन हो गया तो ये जो कैग है, इसका ये काम है देखने का कि जो पैसा सैंक्शन हुआ था उतना यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर यूज़ हुआ है तो सही तरीके से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर आ गया समझ में, सारे फंक्शन समझ में आए कैग के? अगर आपको समझ में आ गए तो, अगर आपने वर्ड टू वर्ड नहीं भी इसमें पढ़ा होगा तो आप मेंस में लिख लोगे। प्रोबेबल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस या थ्रो सम लाइट ऑन दी पावर्स ऑफ दी कैग या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दी कैग। तो आपको ऐसे इनिशिएट करना है आंसर उसमें कि आपको लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है ये पावर कि आप प्रॉपर उसकी ड्यूटीज़, पावर्स और कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिटरमाइन करो, और अंडर दैट पावर ओनली पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाली विच इज़ कैग एक्ट 1971। फिर अंडर दिस एक्ट द फॉलोइंग आर दी पावर्स, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे ना तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के करोगे तो अच्छा होगा। अच्छा, आर्टिकल 148 क्या था आपका, कि कैग होगा। 149 क्या था आपका, कैग की एक्ट मतलब सारी कंडीशंस ऑफ सर्विस पावर्स। 150 क्या था आपका, सर्टिफिकेशन जो होगा उसका वो क्या होगा, फाइनल होगा। और 151 क्या था, अपनी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट अपने सामने रखेगा। ये चारों आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आइए कि रोल क्या है क्या का, लिख लो पहले इसको, किसी को लिखना है तो। अब रोल क्या है कैग का, ऑब्वियसली क्या करेगा कैग, कैग देखेगा कि भाई पैसा जो गार्ड पब्लिक पर्स से निकला गया है उसका मिसयूज तो नहीं हुआ है, मिसयूटिलाइजेशन तो नहीं हुआ है। द रोल ऑफ कैग इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग। यही बोला मैंने यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टूवर्ड्स लेजिस्लेचर, वही ये बात बोल रहा है, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव की आंसरेबिलिटी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द कैग इज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, देयरफॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट दे रहा है तो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। कोई एक सेपरेट मिनिस्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक डिपार्टमेंट को नहीं देख रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। कोई भी मिनिस्टर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में। द कैग हैज मोर फ्रीडम विथ रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर दैन विथ रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, स्टोर्स एंड स्टॉक। वेयर इज इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर ही डिसाइड्स द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड फ्रेम्स हिज ओन ऑडिट कोड्स एंड मैनुअल्स। ही हैज टू प्रोसीड विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन रिलेशन टू रूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द अदर ऑडिट्स। ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर के केस में वो अपने रूल्स खुद बना सकता है, अपना ऑडिट का कोड खुद बना सकता है, मतलब उसके पास ज़्यादा फ्रीडम है इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जब अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट जो वो बना रहा है ना, वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगी उसकी, लेकिन और केसेस में, मतलब जब वो फाइनेंस रिपोर्ट बना रहा है या जब वो स्टॉक और स्टोर्स को देख रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह को देख रहा है या स्टोर्स की इन्वेंट्रीज को देख रहा है, उस केस में इसकी जो पावर है वो थोड़ी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि उसे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से, जो आपकी गवर्नमेंट का पार्ट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्या लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है उनसे कि हम क्या आपकी कंपनी में, इस डिपार्टमेंट में इसका ऑडिट कर सकते हैं क्या स्टॉक। अब जैसे हमने अभी इन पॉइंट्स में भी पढ़ा था कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज का उसको वो करना पड़ेगा ऑडिट, तो उसे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसका जो रोल एक्सपेंडिचर के केस में है वो बहुत वाइड है, बाकी सारे रिपोर्ट्स के केस में उसका जो रोल है वो थोड़ा लिमिटेड है। द कैग हैज टू सर्टन वेदर मनी शोन इन द अकाउंट्स एज हैविंग बीन डिसबर्स वाज लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस और द पर्पज to which they have been applied or charged and whether the expenditure confirms to the authority that governs it। ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, ये दो क्वेश्चन, कि क्या पैसा लीगली अवेलेबल था और अगर था तो क्या एग्जैक्ट अमाउंट में खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। यही ये बातें बोल रहा है कि
हैज टू असर्टन वेदर मनी शोन इन द अकाउंट्स एज हैविंग बीन डिसबर्स्ड वाज लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस और द पर्पस टू विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज्ड एंड वेदर द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट इन एडिशन टू दिस लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट. अब ये हो गया आपका कौन सा ऑडिट? लीगल ऑडिट, पहला टाइप का ऑडिट. कौन सा? लीगल ऑडिट, जिसमें वो देखेगा कि जो पैसा डिसबर्स किया गया है वो लीगली अवेलेबल था या नहीं था. दूसरा आया आपका रेगुलेटरी ऑडिट. ये हो गया आपका रेगुलेटरी ऑडिट कि क्या पैसा जो लीगली अवेलेबल था वो एग्जैक्ट अमाउंट में सही जगह पे यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये हो गया आपका रेगुलेटरी ऑडिट. तीसरा जो ऑडिट आता है, लिख लो पहले उसको, तीसरा जो ऑडिट आता है वो आता है आपका प्रोपियरिटी ऑडिट. प्रोपियरिटी ऑडिट मतलब देखना कि पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा तो नहीं हुआ, अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हुआ. तो ये तीन तरह के ऑडिट हो गए, लीगल ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट और तीसरा हो गया आपका प्रोपियरिटी ऑडिट. समझ आ गया? तो लीगल ऑडिट क्या हुआ? वेदर द मनी वॉज लीगली अवेलेबल और नॉट. रेगुलेटरी ऑडिट क्या हो गया? वेदर द मनी स्पेंट वॉज इन एग्जैक्ट अमाउंट और नॉट. और तीसरा हो गया प्रोपियरिटी ऑडिट, जहाँ पे देखना कि वेस्टफुलनेस तो नहीं हुई है, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा तो नहीं हुआ है, मिसयूज नहीं हुआ है, मतलब लैविश खर्चा तो नहीं कर दिया, ठीक है. तो ये हो गया आपके तीन तरह के ऑडिट्स. अब जो ये दोनों ऑडिट्स हैं ना आपके, लीगल ऑडिट और आपका रेगुलेटरी ऑडिट, ये ऑब्लीगेटरी पार्ट पे आता है कैग के, मतलब ये तो इसको करना ही करना पड़ेगा, ये और ये, मतलब हर क्वेश्चन को जब वो एनालाइज करेगा तो उसे दो क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने पड़ेंगे, ठीक है. जो प्रोपियोरिटी ऑडिट है वो आपका क्या था? डायरेक्टरी, मतलब डिस्क्रिशनरी है, वो ऐसा नहीं है कि वो करेगा ही करेगा, वो मर्जी है उसकी कि वो अपनी रिपोर्ट में डाल सकता है कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपियोरिटी ऑडिट दिस एक्सपेंडिचर कुड हैव बीन अवॉइडेड क्योंकि ये एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है. जैसे मान लीजिए आपकी सिटी में आपका जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मान लीजिए, ठीक है, वो खर्चा कर रहे हैं कर रहे हैं. अब एक ही जगह पे, मान लीजिए एक जगह पे रोड्स नहीं है और साइड में पार्क है, तो आपने बोला कि रोड को वैसी का वैसी छोड़ दो और आप पार्क में गमले लगाए जा रहे हो, पार्क को ब्यूटिफिकेशन का काम करे जा रहे हो. तो जो आपके प्रायोरिटी होने चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? रोड कंस्ट्रक्शन. आपने पैसा कहाँ खर्च कर दिया? ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी पे, ठीक है. तो फिर वहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपियोरिटी ऑडिट कि दिस खर्चा कुड हैव बीन अवॉइडेड. जो पार्क का खर्चा है वो अभी के लिए अवॉइड किया जा सकता था क्योंकि मेजर प्रायोरिटी आपकी रोड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए अभी के लिए. तो आपने क्या किया? उसको सेकेंडरी रख के आपने प्राइमरी क्या रख दिया? पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड राइट नाउ. ये लैविश खर्चा हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इस बेसिस पे वो क्वेश्चन कर सकता है. ये वाला जो ऑडिट है आपका, ये डिस्क्रिशनरी है, ये दोनों ऑब्लीगेटरी हैं. ऑब्लीगेटरी मतलब मस्ट है, ये दो सवाल पूछना तो मस्ट है कैक का आपसे जब भी आपका ऑडिट किया जाएगा. क्लियर? कोई डाउट? तो पढ़ते हैं इसको. In addition to this legal and regulatory audit, the CAC can also conduct the propriety audit. That is, he can look into the wisdom, faithfulness and economy of the government expenditure and comment on the wastefulness and extravagance of such expenditure. However, unlike the legal and regulatory audit, which is obligatory on the part of the CAC, the propriety audit is discretionary. Phir aaiye secret service expenditure. Secret service kya hota hai? जैसे आप प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो उसके आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड्स चलते हैं, जो उसके साथ गाड़ी में बैठते हैं, आगे गाड़ियां चलती हैं, पीछे गाड़ियां चलती हैं, जो पूरा उनका काफिला जो चलता है पूरा ना, तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं आपके सीक्रेट सर्विस में. तो जो सीक्रेट सर्विस में जितना भी पैसा लगा, एक्सपेंडिचर लगा, उसको कैग क्वेश्चन नहीं कर सकता. ये एक एग्जेम्पशन है, एक एक्सेप्शनरी वो है कि हाँ यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन में नहीं डाल सकते. तो ये एक लिमिटेशन है ऑन दी ऑडिटिंग रोल ऑफ दी कैग. तो एक फ्लॉ क्या हो गया था कि वो सिर्फ कंट्रोलर का काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऑडिटर का काम कर रहा है. तो दूसरा फ्लॉ आप ये भी लिख सकते हो कि जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर था वो अभी भी एक्सक्लूडेड है इसके ऑडिट के रोल से. लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ कुछ भी कर सकता है सीक्रेट सर्विस में. आप जितना भी खर्चा आपके डिपार्टमेंट ने सीक्रेट सर्विस में किया है उसको आपको लिख के एक प्रॉपर आपको कैग को देना पड़ेगा कि हाँ इतना खर्चा हमारा हुआ है. तो एक पेपर आपसे ऑप्टेन किया जाएगा आपके डिपार्टमेंट से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप कितना भी खर्चा कर दो. द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज अ लिमिटेशन ऑन द ऑडिटिंग रोल ऑफ द कैग.
In this regard, the CAC cannot call for particulars of expenditure incurred by the executive agency, but has to accept a certificate from the competent administrative authority that the expenditure has been so incurred under his authority. आप उनसे ये नहीं मांग सकते कि कितना खर्चा किया आपने और क्यों ऐसा इतना खर्चा किया. वो CAG नहीं क्वेश्चन कर सकता सीक्रेट सर्विस पे. लेकिन जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का, उससे एक लेटर आता है या सर्टिफिकेशन आएगा कि हमने, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी अथॉरिटी के अंदर मैंने ये सीक्रेट सर्विस पे जितना खर्चा किया है वो सही तरीके से यूज़ हुआ है. तो वो जो ऑफिसर होगा, जो हेड ऑफिसर होगा, वो अपने साइन करके अथॉरिटी, मतलब उसकी अथॉरिटी पे देगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने देख रेख के साथ देखा है कि सीक्रेट सर्विस पे सही अमाउंट ऑफ पैसा खर्च हुआ है. अब आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं कि कितना अमाउंट आपने खर्च किया. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुलाइजेज द कैग टू बी कंट्रोलर एज वेल एज द ऑडिटर जनरल. हाउएवर इन प्रैक्टिस द कैग इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल ओनली एंड नॉट दैट ऑफ अ कंट्रोलर. इन अदर वर्ड्स द कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड मनी बाय इशूइंग चेक्स विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम द कैग हु इज कंसर्न ओनली एट द ऑडिट स्टेज when the expenditure has already taken place. तो ये एक दूसरा फ्लॉ है इसका कि आपका रोल तब आएगा ऑडिट करने का जब खर्चा हो चुका होगा, उससे पहले आपका कोई से नहीं. क्या आप पार्लियामेंट को एडवाइस कर सकते हो कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा मत दो? नहीं कर सकते. आपका तो रोल तभी आ रहा है ना जब पैसा ही सैंक्शन हो गया है. ठीक है. तो हमने बोला है कि जो अप्रोप्रिएशन का पैसा है, जितना भी खर्चे के लिए पैसा है, वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. कैग का उसमें कोई से नहीं है. In this respect, the CAG of India differs totally from the CAG of Britain, who has powers of both Comptroller and Auditor General. In other words, in Britain, the executive can draw money from the public exchequer only with the approval of the CAG. India में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर Parliament ने sanction कर दिया, vote कर दिया आपकी grant पे, तो वो आपकी demand होगी. Demand पे, तो वो आपकी grant होगी. Clear? अब देखते हैं, तीन type का auditing होती है. तीन कैटेगरीज में होती है पब्लिक कॉर्पोरेशंस की ऑडिटिंग. द रोल ऑफ कैग इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस इज लिमिटेड. ब्रॉडली स्पीकिंग इज रिलेशनशिप विद द पब्लिक कॉर्पोरेशंस फॉल इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज. सबसे पहला तो ये है कि कैग पूरा का पूरा ऑडिट जो हो रहा है ना उस कंपनी का, वो कैग ही कर रहा है. ठीक है. जितनी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस मतलब सरकार की मेजर शेयर होल्डिंग है. ठीक है. तो इसमें आप बोल सकते हो जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ONGC है, एयर इंडिया है, इनका ऑडिट डायरेक्टली कौन करेगा? आपका कैग करेगा. तो एक टाइप का ऑडिट ये हो गया कि कैग पूरी तरह से पूरा का पूरा ऑडिट विदाउट आउटसाइड की हेल्प से कैग कर रहा है. दूसरा है कि क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना प्रोफेशनल प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं इन कंसल्टेशन विद द कैग. कैग से पूछ के एक प्राइवेट कंपनी, कोई ऑडिट कंपनी है या प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया गया. किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. और उस बोला गया है कि एक काम करो, अब आप ऑडिट, अब क्या करो, आप ऑडिट करो. और कैग भी उनके साथ साथ काम कर सकता है. ऐसा नहीं है कि कैग ने बस अपॉइंटमेंट के बाद छोड़ दिया. कैग उनकी हेल्प कर सकता है, उनको सजेशंस दे सकता है, मतलब कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं. तो दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी ये वाली. सम अदर कॉर्पोरेशन आर ऑडिटेड बाई प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कैग. इफ नेसेसरी द कैग कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑल्सो. इसमें एग्जाम्पल्स हो गया जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा. अब तीसरा जो ऑडिट आता है वो पूरा का पूरा प्राइवेट ऑडिट होता है. उसमें कैग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई से नहीं है. जो प्राइवेट होगी कंपनीज, वो डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेगी? पार्लियामेंट में करेगी, विदाउट एनी हेल्प ऑफ दी कैग. तो ये तीसरी तरह का ऑडिट हो गया आपका. Some other corporations are totally subjected to private audit. In other words, their audit is done exclusively by private professional auditors and the CAG does not come into the picture at all. They submit their annual reports and accounts directly to the government. Examples of such corporation are SBI, Reserve Bank of India, Food Corporation of India, etc. ठीक है. तो ये तीन तरह के audits हो गए आपके. अब सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं. जैसे CAG का, अगर मान लीजिए CAG जो है वो फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं टाइप, जिसमें कैग पूरी तरह से कंडक्ट कर रहा है, तो उसका पॉजिटिव क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कंडक्ट कर रहा है, न्यूट्रलिटी के साथ कंडक्ट करेगा. लेकिन उसका ये भी नेगेटिव हो सकता है कि हो सकता है कैग के पास इतनी एक्सपर्टीज ना हो, क्योंकि कैग को सिर्फ कंपनीज का ही अकाउंट थोड़ी करना. मैं यहाँ पर कॉरपोरेशन की बात कर रही हूँ, है ना. तो ये एक फ्लॉ आ सकता है ना इसमें. ये बुक में नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही मैं बोल रही हूँ. अगर क्वेश्चंस में आता भी है तो जैसे पॉजिटिव तो ये हो गया कि आपकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन्ड है. क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो, इसलिए आप कंडक्ट कर रहे हो उस ऑडिट को, तो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन को कंडक्ट कर रहे हो ऑडिट को. इसमें नेगेटिव ये हो सकता है कि जो
प्रोफेशनल प्राइवेट ऑडिटर्स होंगे, उनके पास सिर्फ ऑडिट कॉरपोरेशन को ऑडिट करने के लिए एक्सपर्टीज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कैग के पास बहुत काम है कि वो इस डिपार्टमेंट को भी कर रहा है, गवर्नमेंट को भी कर रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के खर्चे को भी कर रहा है, इंडिया के खर्चे को भी कर रहा है, तो शायद उसके पास कॉरपोरेशन के डोमेन में इतनी एक्सपर्टीज ना हो, है ना। तो ये एक फ्लॉ आ सकता है। फिर हम सेकंड कैटेगरी देखते हैं आपकी, जिसमें कि आपने मदद से ली, कोऑर्डिनेशन से ली, तो इससे आपका ये हो गया कि आपको दोनों के फायदे मिल रहे हैं। तो ये एक फायदा हो गया कि आपको एक्सपर्ट डोमेन भी मिल रहा है कॉरपोरेशंस को ऑडिट करने का, और आपको कैग की ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। तो ये तो हो गया फायदा। इसका क्या नेगेटिव हो सकता है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है काम करते हुए। कैग बोल सकती है कि तुम्हारे क्या, तुम्हें तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, बोला जा सकता है। यहाँ पे एक हो जाता है डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है दोनों के बीच में, कि वो बोलेगा क्या कि मैं तो गवर्नमेंट का करता आ रहा हूँ ना, मुझे पता है कैसे कंपनीज होती हैं हैंडल, और वो बोलेगा नहीं हम तो कंपनी के बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी तो प्राइवेट कंपनी, हम प्रॉफिट के मोटिव से कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ सकती है। तीसरा, जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट जो कंपनीज हैं आपकी वही ऑडिट कर रही है, तो उस केस में पॉजिटिव क्या होगा, अगेन एफिशिएंसी के साथ काम होगा, क्योंकि उनका काम ही वही है डोमेन एक्सपर्ट करना। प्राइवेट को आप जैसे अब जब आप पीपीपी मॉडल करते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, आप क्यों लाते हो प्राइवेट प्लेयर्स को, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोजेक्ट का, इफेक्टिवनेस के साथ होगा, एफिशिएंसी के साथ होगा। तो वो एक पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव अगेन उसमें ये आ सकता है, बोला जा सकता है कि आप सरकार पैसा दे रही और सरकार का ही से नहीं है ऑडिट करने में, मतलब जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं उनकी मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट के पास ही आपके पास पावर नहीं दिया आपने गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी को कि वो ऑडिट करे, आपने पूरा का पूरा पावर प्राइवेट को दे दिया, तो डिस्ट्रस्ट हो सकता है। तो ये पॉइंट्स एक एक कीवर्ड बना के अपने बुक में ही लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए, ठीक है। ये आपको लिखना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को। कुछ समझ नहीं आया दोबारा पूछना है तो पूछना, पर लिख लो वहाँ पे तीनों के आगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। लिख लिया, लिखा आप लोगों ने, नहीं लिखा फिर से बताऊं। हाँ, जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या था कि पूरा का पूरा कैग कर रहा है, तो पॉजिटिव ये होगा कि आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, क्योंकि आपका ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्या हो सकता है इसका, कि लैक ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज हो सकता है स्पेसिफिकली डीलिंग विद कॉरपोरेशंस। पीछे लिख लो, हाँ जगह अगर वहाँ नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिख लो। सेकेंड था आपका कौन सा वाला, जिसमें अपॉइंटमेंट, हाँ इसमें आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव क्या हो सकता है इसमें आपका, कि दोनों के पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे आपको, है ना, ऑथेंटिसिटी भी मिलेगी और आपको एक्सपर्ट नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन इसमें नेगेटिव ये हो सकता है कि फ्रिक्शन हो सकता है वर्किंग में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑन वन साइड इट इज़ एन एक जो है आपका एक वन हैंड पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ द प्राइवेट कंपनी विच इज़ डूइंग द ऑडिट।
और तीसरे वाले में क्या था कि पूरा का पूरा कौन कंडक्ट कर रहा है, प्राइवेट कंडक्टर। तो इसमें आप बोल सकते हो कि आपको गवर्नमेंट का से मिलेगा ही नहीं, गवर्नमेंट का से जो गवर्नमेंट की ओपिनियन है वो मिलेगी नहीं ऑडिट में, बिकॉज इट इज इंटायरली डन बाय द प्राइवेट प्रोफेशनल्स। तो ये नेगेटिव हो गया इसका। इसका पॉजिटिव ये हो गया कि आपको डोमेन एक्सपर्टीज अच्छी तरह से मिल जाएगी। क्लियर। इसके बाद एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया था 1968 में, कैग के अंदर ही बनाया गया था ऑडिट बोर्ड। इसमें बेसिकली क्यों बनाया गया था ये, कि ताकि जो टेक्निकल एडवाइस आपको लेनी है या जो एक्सपर्ट नॉलेज लेना है आपको कैग को, मान लीजिए जो कॉरपोरेशंस हैं जैसे आयरन स्टील है, या मान लीजिए कोई मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, तो इसमें ये बात ही आती है कि हर एक कंपनी का अलग तरीका होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, हर एक कंपनी के अलग वो होते हैं, जैसे कि कैसे खर्चा आ रहा है, कैसे रेवेन्यू आ रहा है, कैसे खर्चा निकलेगा। तो हर एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए सेम जनरलाइज्ड आपका ऑडिट मशीन नहीं चल सकती। एक ऑडिट प्रोसेस आपने जनरल निकाल दी और उसी को आप हर कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते, हर कंपनी के हिसाब से आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। इसीलिए एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया टू एसोसिएट आउटसाइड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स टू हैंडल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरप्राइजेस लाइक इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, केमिकल्स एंड सो ऑन। मतलब स्पेसिफिकली इन इंडस्ट्री से डील करने के लिए जो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, उनको कैग ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप से एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया। उस पर्पज़ के लिए ऑडिट बोर्ड बनाया गया था, और जो उसका हेड होगा वो चेयरमैन होगा, और इसके दो और मेंबर्स भी होंगे। जो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कैग ही कर रहा है, लेकिन कैग बोल रहा है कि भाई हम तो गवर्नमेंट के बंदे, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, तो इससे बेटर ये होगा कि हम बाहर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लें ताकि हमें टेक्निकल एडवाइस भी मिलती जाए। अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इसमें आप फोर्थ पॉइंट पे नज़र डालो एक बार। द कैग्स फंक्शन इज नॉट रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑडिटर्स डू नॉट नो एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो वेरी मच अबाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। देयर प्रेस्टीज इज हाईएस्ट विद अदर्स हु डू नॉट नो मच अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोल रहा है कि अब जो कैग है ना आपका, उसको दोनों फंक्शंस अपने पूरे करने हैं। ऑडिट का काम तो है ही है उसका, लेकिन वो गवर्नमेंट का कर रहा है ना, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। मतलब उसे अब क्वेश्चन ये आता है, क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाई आपको ऑडिट का काम दिया गया तो आप ऑडिट ही करो ना, आप मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के काम कैसे हो रहा है उसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे या वो ऑडिट की प्रोसेस पे ध्यान दे। तो आधे लोग ये बोलते हैं कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है हमें पता है, आप हमको मत बताओ कि हमको कैसे रिकॉर्ड बना के रखने हैं, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं हो, आपका काम सिर्फ ऑडिट का है, आप वो करो और निकलो, ठीक है। तो आधे तो लोग ये बोल देते हैं, आधे लोग ये बोलते हैं कि आपको ऑडिट में भी एक्सपर्टीज नहीं है आप, क्योंकि हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। तो यहाँ पे बात आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट की, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है आपको या आपको अपनी ऑडिटिंग की प्रोसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर फ्लॉ में लिखो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है। पहला तो मैंने आपको बता दिया क्या है, कि कंट्रोलर का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ ऑडिटर का रोल है। दूसरा मैंने आपको बताया सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडेड है। तीसरा आप ये लिख सकते हो कि हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग वॉर होती है किस किस के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज ऑडिट के बीच में। जो फिफ्थ पॉइंट कह रहा है आपका, ऑडिटर्स नो व्हाट इज ऑडिटिंग विच इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ नेसेसरी बट अ हाईली पेडेस्ट्रियन फंक्शन विद अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड अ वेरी लिमिटेड यूजफुलनेस। फिर कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आपकी ऑडिट के चक्कर में हमारे नॉर्मल काम नहीं हो पाते मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, आपके ऑडिट के चक्कर में आपकी इतनी लंबी प्रोसेस चलती है ऑडिटिंग की, कि हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी है कि हमें डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक ये काम कंप्लीट करना है, वो रुक गया होता है आपके ऑडिटिंग के चक्कर में, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म होता है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, क्लियर। मैं इसीलिए हर चीज़ लिखवा नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी कनेक्ट करना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए आंसर में, वहाँ पे कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आएगा। तो अगर आपने सुना हुआ है कुछ या ऐसा कनेक्ट करना अगर आपको आता होगा तो आप वहाँ पे आंसर लिख पाओगे, ठीक है, क्लियर। इस चैप्टर में से कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कर लो, एक एक लाइन एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
करें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। अब आइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था पार्ट फाइव में, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल होता है। ये सारे जो होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। किसमें लिखा हुआ है? आपके पार्ट फाइव में, ठीक है। आर्टिकल 76 जो है आपका वो स्पेसिफिकली डील करेगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना वो भी एक तरीके का ऑफिस ही है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ही हुआ। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है इसको कंट्री का। अब इसका काम क्या होता है, इसको अपॉइंट क्यों किया गया? अब देखो, मिनिस्टर तो हमारे पास है लॉ का, लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्ट्री को जो हेड कर रहा है, कैबिनेट का जो फॉर्म है वो हमारे पास मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये कैबिनेट का फॉर्म पार्ट नहीं है, जो ये अपॉइंटमेंट हो रहा है अटॉर्नी जनरल, ये कैबिनेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हमने बेसिकली इसलिए अपॉइंट किया ताकि हमारे पास लीगल एडवाइस जो है ना वो गवर्नमेंट को मिलती रहे, क्लियर। इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन इसीलिए दिया है क्योंकि जहाँ भी जितने भी केसेस दुनिया भर में भी होंगे और इंडिया के जितने भी कोर्ट्स में जहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे होता है ना, हम सुनते हैं वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब फेडरल इश्यूज आते हैं, जब भी यूनियन ऑफ इंडिया कोई पार्टी है उस केस की, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आ गया, मतलब इसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए। अब क्या होती थी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की? एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है, जज नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो एक तो हमने बोल दिया था कि हाई कोर्ट में वो होना चाहिए, जज होना चाहिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, यही हुआ था ना। अब हाई कोर्ट का जज कितने साल के लिए होना चाहिए? क्वालिफिकेशंस देखो सुप्रीम कोर्ट की एक बार खोलो। दो बंदे बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस को हटा के, ठीक है। एक तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला क्वालिफिकेशन हो गया। जो दूसरा पॉइंट था उसमें तीन सब पॉइंट्स थे आपके, दिख रहा है ना? तो क्या होना चाहिए उसमें? या तो आपको एडवोकेट होना चाहिए, किसका? सुप्रीम कोर्ट का ही एडवोकेट होना चाहिए, लिखा है। मैं बोल रही हूँ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है वो कितने साल के लिए होना चाहिए? 10 साल के लिए, और हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बना रहे हो, कहाँ से उठा के बना रहे हो? हाई कोर्ट से बना रहे हो, ठीक है। हाई कोर्ट का अगर वो जज है तो वो 5 साल काम कर सकता है, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट का एडवोकेट है तो उसे 10 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट के सब पॉइंट्स थे, और तीसरा था ही मस्ट बी एन डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गई बात कि इतनी क्वालिफिकेशंस तो इसकी होनी चाहिए इस ऑफिसर की, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, तो ये क्या होना चाहिए? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाली क्वालिफिकेशन तो इसकी होनी चाहिए। मैं इसको ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर रही हूँ, ये मिनिस्टर का पद जो है उसको नहीं लेगा। मिनिस्टर के लिए हमारे पास सेपरेट मिनिस्टर है, सेपरेट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्टी है किसी केस में, तो और इंटरनेशनल लॉ में भी कर सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको अपॉइंट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होगी। इसको मैं रीड करती हूँ, हाँ, इसकी जो रिन्यूमरेशन है, इसकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है, सब कुछ प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। जब चाहे तब इसको हटा सकता है, जब चाहे तब इसको रख सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। He is the highest law officer in the country. The attorney general is appointed by the president. He must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court. In other words, he must have been a citizen of India. He must have been a judge of some high court for 5 years or an advocate of some high court for 10 years or an eminent jurist. Isi page pe likha hua tha, ye humne faltu piche dekha. In the opinion of the president. Kya qualifications hai? Ya to high court ka judge ho 5 saal ke liye, या हाई कोर्ट का एडवोकेट हो 10 साल के लिए।
द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एजी इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ना पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है कोई एक्ट, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सब कुछ हमने प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया हुआ है. प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसे अपॉइंट कर सकता है, जब चाहे तब उसे निकाल सकता है. और कोई भी ऐसा ग्राउंड्स मेंशन नहीं है या प्रोसीजर मेंशन नहीं है जिससे उसका रिमूवल होगा. इसलिए बोला जाता है दैट ही विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. कन्वेंशनली मतलब कन्वेंशंस के हिसाब से, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के हिसाब से ज़रूरी होता है कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है या रिज़ाइन करती है तो अटॉर्नी जनरल को भी चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, उसे बोला जाता है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दो. कन्वेंशनली ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस और इज रिप्लेस्ड एंड ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द रिन्यूमरेशन. रिन्यूमरेशन मतलब सर्विस कंडीशंस, क्या उसको सैलरी मिलनी है, क्या उसको लीव्स होनी है, कितनी पेंशन होगी, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं किया हुआ है. ये भी हमने प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है. दिस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ही रिसीव्स सच रिन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन. क्लियर? ठीक है, एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी ड्यूटीज देख लेते हैं एक बार. सबसे पहली तो ये है कि जितने भी लीगल मैटर्स होंगे उस पर गवर्नमेंट को एडवाइस करना. और वो उन लीगल मैटर्स कौन रेफर करेगा उसको, ये सारे मैटर्स? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है. ये बीच में कोई अपने मर्जी से नहीं कि ये वाला केस उठा के अपनी बातें बोलने लग जाएगा. वो केसेस रेफर कौन करेगा? प्रेसिडेंट रेफर करेगा. किसको? अटॉर्नी जनरल को. टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी तो जो मैटर्स उसको रेफर किए गए उस पर वो अपनी लीगल एडवाइस देगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दूसरा, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ही उसकी एक्स्ट्रा पावर भी बढ़ा सकता है, मतलब उसके पावर्स को एनलार्ज भी कर सकता है. तीसरा, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी दे सकता है, प्रेसिडेंट भी उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी दे सकता है, या कोई और लॉ भी उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी दे सकता है. ठीक है, उसके पावर्स को बढ़ा सकता है. अब इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने क्या क्या ड्यूटीज असाइन की हैं अंडर पॉइंट टू, वो देख लेते हैं. पॉइंट टू में क्या लिखा हुआ है? टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है. उसी पावर के तहत प्रेसिडेंट ने क्या क्या ड्यूटीज इसको असाइन की हैं वो पढ़ेंगे एक एक करके. आगे समझ में? तो जो आपका पॉइंट टू है उसको एरो लगा लो 1, 2, और 3 पे भी कि इसी के अंदर ये तीन ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं. जो पॉइंट टू है उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा ड्यूटीज, उसी के अंदर ये तीन ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं. पहली, टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेज इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न. सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यही होता है फेडरल यूनिट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को देखना. तो जहाँ पे भी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कुछ होगा या समथिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा उन केसेस में रिप्रेजेंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेगा. किसको करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. ठीक है. सेकेंड, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या था आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब था? कि प्रेसिडेंट किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है. उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन कौन देगा? आपका अटॉर्नी जनरल देगा. तीसरा मैटर आया, टू अपियर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न. अब ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात है, फिर कई बार हाई कोर्ट में भी केस चल रहा होता है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो उस केस में भी एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब गवर्नमेंट बोलेगी कि यार हमारा हम पार्टी हैं इस फलाने फलाने हाई कोर्ट में आपको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में भी जाके अटॉर्नी जनरल इसको रिप्रेजेंट करेगा. ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है, हाई कोर्ट के केसेस में भी रिप्रेजेंटेशन देता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. ये तीन पावर्स किसने दिए हुए हैं इसको? प्रेसिडेंट ने इसकी ड्यूटीज़ को असाइन किए गए हैं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी असाइन कर सकता है इसके लिए एक्स्ट्रा फंक्शंस, और कोई और स्टैट्यूट या लॉ भी कर सकता है. क्लियर? अब इसकी राइट्स और लिमिटेशंस देख लेते हैं. अटॉर्नी जनरल को बोला जाता था कि पहले तो वो किसी भी कोर्ट में इंडिया के जाके बैठ सकता है. ठीक है,
उसको रोका नहीं जाएगा। अगर वो अटॉर्नी जनरल है तो पूरे कोर्ट्स में उसको राइट टू ऑडियंस का राइट है। उसके बाद वो दोनों हाउसेज में भी बैठ सकता है, जो पार्लियामेंट के हाउसेज होते हैं ना उनमें भी बैठ सकता है दोनों में, ठीक है। जैसे बैठ सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता, वोटिंग पावर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके मेंबर नहीं हो। आप बैठ सकते हो, आप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हो, आपको बुलाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। लेकिन एक एक एक्सेप्शन जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये कि जितने भी पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस होते हैं ना वो अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं। क्या वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं? तो ये याद रखना कि दो प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही डज नॉट एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की अलग इम्यूनिटीज पावर्स अलग हैं। वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो इम्यूनिटीज और पावर्स मिली हुई है वो प्रेसिडेंट एंजॉय नहीं करता, लेकिन अटॉर्नी जनरल भले ही उसका मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, लेकिन उसके बाद भी वो उसके प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है। ऐसे याद रखोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी एक साथ, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा मत लिखो, सिर्फ मार्क करो और सुनो, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन इन लक्ष्मीकांत, मैं कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इस इनसे तो आगे नहीं हूँ ना, एम लक्ष्मीकांत से जो इसमें लिखा हुआ वही पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर कोर्ट में जाके बैठ सकता है, वो प्रोसीडिंग्स को देख सकता है। फर्दर ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, ठीक है। मेंबर भी बनाया जा सकता है इसको किसी भी कमिटी का, लेकिन इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, बट विदाउट अ राइट टू वोट ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। सारे इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस इसके पास होंगे लेकिन राइट टू वोट इसके पास नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट भले ही मेंबर है लेकिन वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज इंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसके स्पेसिफिक अलग से पावर्स और इम्यूनिटीज हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं, ये हमने जानबूझ के प्लेस की गई हैं अटॉर्नी जनरल पे ताकि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी ना हो। ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। ये डाली हुई है लिमिटेशंस हमने, क्यों नहीं करना चाहिए अगेंस्ट, क्योंकि आपको हमने सपोर्ट करने के लिए बुलाया गवर्नमेंट को, आपका ऑफिस ही इसलिए क्रिएट किया गया है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करो, तो आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। दूसरा, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस केस में अब आप क्या हो गए, एक पार्टी हो गए, तो आप किसके एडवाइज नहीं करोगे ना आप इसको होल्ड करोगे, क्यों, क्योंकि आप अपियर ऑलरेडी कर रहे हो इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ उसी तरह से केस लड़ना है, ना कोई एडवाइस देनी है ना कोई ब्रीफ करना है, ठीक है। तीसरा, ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भले ही वो कन्विक्ट ठहराया नहीं गया है, वो सिर्फ अभी क्या है, मुलजिम है, उसके बाद भी आप किसी अक्यूज पर्सन को सपोर्ट या डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी वाला काम क्या होना चाहिए, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चौथा, ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए आप ये भी कर रहे हो, आप अटॉर्नी जनरल भी हो, उसके साथ साथ आप मान लीजिए किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो आप बिना परमिशन गवर्नमेंट के नहीं कर सकते, क्यों, अगेन वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप इसको फायदा दोगे कि आप न्यूट्रलिटी के साथ केस लड़ोगे, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट है, ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अनलेस द प्रपोजल और अ रेफरेंस इन दिस इज रिसीव थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी मान लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके साथ लीगल एडवाइस उसको नहीं देगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा अनटिल एक प्रपोजल रिसीव किया गया, किससे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, ठीक है। अगर मिनिस्टर ऑफ लॉ है जो आपका, उसने बोला कि हाँ आपकी राय इसमें लगेगी, आपके इस डिपार्टमेंट में आपकी राय लगेगी, तो ही दे सकता है वो अपनी मर्जी से किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइस को एडवाइस नहीं कर सकता है बिना किसी प्रपोजल के, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, पूरा टाइम का काम नहीं है ये, उसको तभी जिन केसेस में रेफरेंस मिलेगी प्रेसिडेंट की उसी केस में उसको लीगल एडवाइस देगा वो,
जिन केसेस में उसको बुलाया जाएगा कि आप रिप्रेजेंट करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसी केस में जाएगा वो, तो बाकी के टाइम पे क्या करेगा वो? इसलिए इसको बोला गया कि इसको डीबार्ड नहीं किया गया, वो अपनी लीगल प्रैक्टिस भी चला सकता है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी चला सकता है, लेकिन किसी कॉरपोरेशन या किसी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकता। वो लॉयर है तो वो लॉ का काम कर सकता है, अपनी लीगल प्रैक्टिस चला सकता है, और जब गवर्नमेंट को बुलाया जाए तो वो इस काम के लिए भी बुला दे। ऑल दो मुझे तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है एक्चुअली। मान लीजिए आपको बीच में बुलाया किसी केस के लिए और आपको केस की पूरी ब्रीफिंग पता है और आप अपने लीगल प्रैक्टिस में मान लीजिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो मुझे तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। लेकिन इसको डिबार नहीं किया गया है, अब जो है अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेगा लेकिन वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी चला सकता है। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। क्यों? क्योंकि ये फुल टाइम मेंबर नहीं है और ये कैबिनेट का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कौन है? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, अब आ जाइए सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। अब अटॉर्नी जनरल के लिए तो आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 76, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के लिए ना कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज वो है, ऑफिस है। ये बेसिकली क्यों बनाया गया? ये असिस्ट करने के लिए बनाया गया है, भाई अटॉर्नी जनरल के पास बहुत काम आ गया तो सॉलिसिटर जनरल क्या करेगा, इसको असिस्ट कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इसका। In addition to the AG, there are other law officers of the Government of India. They are the Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. They assist the AG in the fulfillment of his official responsibilities. It should be noted here that only the office of AG is created by the Constitution. In other words, Article 76 does not mention about the Solicitor General and Additional Solicitor General. The AG is not a member of the Central Cabinet. There is a separate law minister in the Cabinet to look after the legal matters at the government level. क्लियर? उसके लिए हमारे पास मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेपरेटली है। तो अब इससे हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आर्टिकल 76, दूसरा हमने पढ़ा इसकी सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, आपका प्रेसिडेंट। इसमें कहीं भी कोई एक्ट नहीं बनाई गई, कहीं भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 चीज़ें लिखी गई हैं, उन केसेस को जिनको प्रेसिडेंट रेफर करेगा। इसके पावर्स प्रेसिडेंट भी बढ़ा सकता है, इसके पावर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ भी बढ़ा सकता है। उसके तहत सेकेंड पॉइंट के तहत ही प्रेसिडेंट ने ये ड्यूटीज असाइन की हैं, जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो वो कौन करेगा, आपका अटॉर्नी जनरल करेगा। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए इसको डिबार नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि ये फुल टाइम काउंसिल मेंबर नहीं है, कैबिनेट का पार्ट भी नहीं है, ये अपना नॉर्मल प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन किसी कॉरपोरेशन का डायरेक्टर या कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं लेकिन वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स बनाए गए हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल, पार्ट 5 का पार्ट है ये। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अब सेम उसके एनालॉगस है आपका एडवोकेट जनरल, जो स्टेट में मिलेगा। तो इसका आर्टिकल जैसे 76 था तो इसका आर्टिकल 165 है। क्लियर? ठीक है, आर्टिकल 165 है जिसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। वो पार्ट 5 में था, ये पार्ट 6 में है जिसको स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। क्लियर? अब इसमें भी सेम वही चीज़ है कि ये कौन अपॉइंट करेगा, आपका गवर्नर अपॉइंट करेगा। इसकी सारी कंडीशंस ऑफ सर्विस, रिन्यूमरेशन, सब कुछ गवर्नर ही डिसाइड करेगा, और इसको निकालने का काम भी गवर्नर ही करेगा, और उसको अपॉइंटमेंट का काम भी गवर्नर ही करेगा। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या होना चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी जुडिशियल ऑफिस उसने होल्ड किया हो 10 साल के लिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट भी रहा हो 10 साल के लिए। ठीक है, हाँ। अब इसका कोई भी ग्राउंड्स, कोई भी मैनर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिमूवल का। कौन रिमूव करेगा इसको? गवर्नर ही रिमूव करेगा, कन्वेंशंस के हिसाब से जरूर। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कन्वेंशंस में लिखा हुआ है कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है उसको बोला जाता है कि आप भी अपना रेजिग्नेशन दे दो, तो जैसी नई गवर्नमेंट आएगी तो उसकी एडवाइस पे गवर्नर आपको अपॉइंट कर लेगा। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस में सेम वही ड्यूटीज़ हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट था, बस उसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नर लिखा हुआ है। तो ये तीनों ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो कि किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को है वो इसको भी मिलेगा। क्लियर? इसके कोई सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं होता है। समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, चेक करो इसको, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज।
इसके अलावा ना कुछ मैं करंट अफेयर्स से आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगी जो लक्ष्मीकांत में नहीं है ना, तो वो भी आई थिंक दो क्लासेस उसकी भी लगेंगी, जिसमें जो पिछले 6 महीने में जो जो भी हुआ है। आपका एग्ज़ाम कब होगा JKPSC का? नहीं आया ना, तो फिर आपको जैसे मान लीजिए मई में आता है एडवर्टाइजमेंट, या अप्रैल तो निकल जाएगा, मई में आता है अगर एडवर्टाइजमेंट, तो आपको 2023 के सारे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, और आपको 2022 के भी करंट अफेयर्स पता होने चाहिए जनवरी से लेके, मतलब जैन 2022 से लेके और जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक। अब वो कब आता है, अगर हम मई मानते हैं तो मई 2023 तक हर दिन का आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। और अगर जो बहुत ही जो और अच्छे बच्चे हैं तो वो फिर इसके पिछले के 6 महीने का भी पढ़ के बैठेंगे, ठीक है ना, मतलब 2021 के हाफ ईयर का भी पढ़ के बैठेंगे जून के बाद से, ताकि ये पूरे 2 साल हो जाएं आपके। तो ये करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए। मैं आपको टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि इस किताब में नहीं भी मिलता है वो चीज़, तो वो आई थिंक एक या दो क्लास हम उसकी ले लेंगे, जिसमें कि हम ये वाले में पढ़ के आऊँगी जो 2023 में जनवरी से हुआ है वो, और जो पिछले साल आधा 6 महीना और इस दौरान जो भी चीज़ें हुई हैं जो आपको इस किताब में नहीं मिलेंगी, तो वो भी आई थिंक 4 या 5 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे 2 क्लासेस में, ठीक है। अभी करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये समझ आ गए चैप्टर्स, कोई डाउट इनमें? अब एक बार क्या करो, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना वो एक बार कर देख लो, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला पार्ट है। फर्स्ट हमने इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट किया था ना, हाँ एक बार चेक कर लो, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्वेश्चंस पूछती हूँ ना तुम लोगों से, फिर आएगा समझ में। पहला हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, दूसरा UPSC, तीसरा SPSC, चौथा क्या पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन पढ़ा था। सबके आर्टिकल्स पता होने चाहिए, सबका अपॉइंटमेंट पता होना चाहिए। मैं अगर आपको राय दूँ तो मैं ये बोलूँगी कि एक पेपर लो A4 साइज शीट, और सब पे सबके नाम, और उसके बाद टर्म ईयर ये सारा एक टेबल में बना लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एक तो राय है। दूसरी एक मैं वो चीज़ करती नहीं थी, क्योंकि फिर मुझे लगता था एक ही पेज पे सब दिख गया तो पूरा कंफ्यूज हो गया, हाँ तो वो कंफ्यूजिंग लगता है फिर और ज़्यादा, क्योंकि एक ही पेज जब आप आखिरी दिन देखोगे ना तो सब मिक्स हो गया होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, कुछ ऐसे है कि जो जैसा उन्होंने किताब में जिस पेज पे मार्क किया होगा ना उनको वैसे याद रहता है। फिर क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग इन फॉर्म में ऐसे आएंगे, आपको पूछा जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, वहाँ पे आगे का पूरा सेंटेंस सही कर देंगे, पीछे का लिख देंगे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस, भले ही वो एक्ट में लिखा होगा और स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और आप एक्साइटेड होगे कि लिखा तो सही है, आप उसको सही कर दोगे। वहाँ पे पंगा आता है कि आर्टिकल 140 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 149 ने किसको पावर दिया है, पार्लियामेंट को, कि वो कैग के ड्यूटीज और पावर्स को डिफाइन किए, तो पार्लियामेंट ने डिफाइन किया विथ एक एक्ट बना के, जो कि कैग एक्ट 1971 है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में, अब जैसे आ गया क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कैग ऑडिट करता है CFI को, तो क्या वो सही होगा, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वो एक ड्यूटी है जो कहाँ से ली है उसने, कैग की एक्ट से ली हुई है, तो वो पॉइंट तो सही है कि वो ऑडिट करता है, तो आप उसको देख के खुश हो जाओगे कि हाँ ये ऑडिट तो करता ही है CFI को, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, वो एक्ट में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि कौन बनाएगा वो एक्ट, पार्लियामेंट बनाएगी, आया समझ में। इस तरह से एनालाइज करके पढ़ोगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो या आपसे डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि मैच द कॉलम और आर्टिकल, सिंपल है वो तो, जिनको आर्टिकल आते होंगे वो ईजिली कर लेंगे, जिनको नहीं आते होंगे वो भी तुक्का मार के कर ही लेंगे। फिर कई बार आपसे पूछा जा सकता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, इस तरफ मोड ऑफ अपॉइंटमेंट लिख दिया, इधर आपका वो लिख दिया। अब जब एक साथ पढ़ोगे ना, तो जैसे मुझे अभी इस क्लास में कन्फ्यूजन हो गया था कि EC को कैसे अपॉइंट करना, UPSC को कैसे रिमूव को, वो वाला तो वो बहुत कॉमन है, मुझे इतनी बार पढ़ के हो रहा है, तो आपका बहुत नेचुरल है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को रिमूव करते हैं एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और UPSC के लिए वो इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और वो सब है, तो वो बहुत ही ध्यान से, और आपको इन सारे में क्वेश्चन आने ही आने। और
इसके साथ साथ अगर एक कदम आगे भी जाना तो थोड़ा अपने स्टेट के बारे में भी देख लेना कि स्टेट के एसपीएससी का चेयरमैन कौन है, वैसे वो पूछेंगे नहीं बट स्टिल, या पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, इस तरह से भी एक आध पॉइंट कभी आ जाता है तो वो भी मिस नहीं करना अगर, तो करंट वाला देख लेना कि करंट में कौन है अगर आगे बढ़ना है एक स्टेप और आगे, नाम वैसे याद रहेंगे नहीं बट स्टिल पूछते नहीं हैं वो, लेकिन आ सकता है। जैसे कैग का पूछा जा सकता है कि अभी वाला जो कैग है वो 14th कैग है या 15th कैग है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा टर्म है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा विकिपीडिया से देख के ना ऐड ऑन कर लेना नोट्स में, स्टिकर्स लगा के या जो भी, तो याद रहा वेल एंड गुड, नहीं याद रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी प्रेजेंट का कैग कौन से वे नंबर का कैग है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते बस वो एक ऑप्शन में लिख देंगे, तो वो थोड़ा माइंड खोल के ही पढ़ना। हम जब हमारे टाइम पे पढ़ते थे तब तो हम विकिपीडिया को पूरा छान लेते थे, मतलब कोई वर्ड एक अगर हमें निकला आया निकल के आया ना तो वो फिर हमारी ड्यूटी बन जाती थी कि उसके बारे में सारा कुछ विकिपीडिया से पढ़ लो, क्योंकि उस टाइम पे आते थे वैसे क्वेश्चंस कि जैसे मान लो रामसर साइट है, कोई रामसर साइट है आपकी, वो अब कोई मान लीजिए नई साइट आई है करंट अफेयर्स में, तो अब हम रामसर कन्वेंशन के बारे में पूरा पढ़ लेते, वो तो अब हमें मिलना स्टार्ट हो गए कि नोट्स हमको हैंडी मिलना स्टार्ट हो गए, या हमको विजन के करंट अफेयर्स में सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया। पहले जब करंट अफेयर्स बनते थे ना तो वो 30 पन्ना का होता था एक महीने का, उसमें वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, वो सिर्फ बताते कहाँ क्या क्या हुआ है ख़त्म। तो फिर हमें जैसे रामसर साइट के बारे में हमें खुद ही रिसर्च करना पड़ता था कि विकिपीडिया से कि 1971 का कन्वेंशन है, ईरान की सिटी के लिए के नाम पे बना है, फिर क्यों बना है, वेटलैंड्स के लिए भी बना है और नॉर्मल गार्डन्स के लिए भी बना है, ये सब हम पढ़ते थे। फिर कि 26 साइटें हैं इंडिया में वो रिकॉग्नाइज हैं, तो ये सब फिर वो ना फिर पढ़ने में वही आदत हो गई हमारी कि कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है तो क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो हैंडी नहीं मिलता था हमको उस वक्त। तो आपको जैसे हर चीज़ रेडीमेड मिल गई तो आपको लगता है हाँ ये तो मिल ही जाएगा विजन आई एस में, तो वो चीज़ थोड़ी फिर सटल हो जाती है आपके अंदर कि हाँ क्वेश्चन करने वाला पावर ना थोड़ा कम हो जाता है फिर, तो वो चीज़ थोड़ा याद रखना कि कहीं भी कोई चीज़ आती है तो उसको अपने हिसाब से कैसे याद रखोगे आप, वो चीज़ करनी है, एज इसी से मिलेगा यार, अदरवाइज़ बाकी सब भी वैसी पढ़ के बैठेंगे, आप भी वैसी पढ़ के बैठोगे तो फिर इतना कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। प्रीलिम्स में तो कट ऑफ ही क्लियर करना है, ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा लिख लेना कि क्या कौन सा है, अभी फाइनेंस कमीशन कौन सा है, 14th है 15th है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये विकिपीडिया से थोड़ा थोड़ा देख के तो लिख लेना। और दूसरा ये कि विकिपीडिया पे जाने से पहले अगर आपको कोई गवर्नमेंट की साइट मिल रही है तो उसको ज़्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ देखना, क्योंकि वो ज़्यादा जेन्युइन होगी रादर देन विकिपीडिया ऑल्सो। तो जैसे MOH की साइट आ गई है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, किसी की साइट है, वेबसाइट है, तो कोशिश करो उनकी वेबसाइट खोल के देखना, वहाँ से आपको 2-3-4 फायदे होंगे, उनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं हर एक वेबसाइट पे जो वो इनिशिएटिव्स निकालते हैं वो लिखते हैं, मान लीजिए जैसे कि शी बॉक्स हो गया, या आपने बोला कि हाँ हमने ये वाली सेमिनार कंडक्ट कराया था या ये इनिशिएटिव करा, तो कई बार वो इनिशिएटिव भी आपके काम आ सकता है मेंस में करंट अफेयर्स से लिंक करके लिखने में कि हाँ वन ऑफ द रिमार्केबल इनिशिएटिव्स बाय दिस मिनिस्ट्री इज दिस, तो ये आपको अपने नोट्स में काम आएगा। यहीं पे ही फ़र्क आता है बस, और कहीं फ़र्क नहीं आता, यहीं पे ही सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का फ़र्क आता है। थोड़ा सा जब वेबसाइट खोलोगे तो थोड़ा क्यूरियस माइंड से देखो उस वेबसाइट को कि हाँ यार ये इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई, तो कुछ 2-3 चीज़ें उठा ली, सारा याद करने को कोई नहीं बोल रहा है, 2-4 चीज़ें उठा के अपने नोट्स में डाल लिया, आपका काम ख़त्म, आपके नोट्स में डल गया वो बस, और करंट में भी है आप लिखोगे, और ये तो और अच्छी बात है कि किसी और ने नहीं लिखा होगा और आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, तो आपको स्पेशली नंबर मिलेंगे उस चीज़ के। तो ये आपको पढ़ते हुए ही आना चाहिए, है ना, कि जब आपने कोई चीज़ नई पहली बार देखी है तो उससे आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने आंसर में लिखने के लिए, बस यही काम है आपका, क्लियर पेपर ही करना है, आगे जाके नौकरी कैसे करनी है वो ट्रेनिंग में पता चलेगा, ठीक है ना। तो उतने ही हिसाब से पढ़ो कि हमें पेपर में क्या काम आएगा बस, फिर उसको इतनी बार पढ़ो इतनी बार पढ़ो इतनी बार पढ़ो कि पेपर में याद रहेगी वो चीज़ लिखनी है, सिर्फ पेपर में अपने पेज पे लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको इतनी बार रिवाइज करो कि एग्जैक्टली आपको पता हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन में मुझे ये तो लिखना ही लिखना है, इतनी प्रेपरेशन के साथ मेंस में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई भी उसी तरह से करो। तो कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, मान लीजिए अभी क्या चल रहा है पॉलिटी में करंट में, डिफेमेशन केस, तो वो तो चैप्टर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा हम्म,
तो वो सब एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो हमने करना क्या क्या वो एक बार देख लो। एक तो आरपीए करना है हमने सबसे पहले 1951-52, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आरपीए, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने करनी है करंट अफेयर्स डिस्कस, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखेंगे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे क्या डिमांड कर रहा है लिखने की, तो 3-4-5 क्वेश्चंस वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपसे ही आंसर्स मांगूंगी मैं कि आपको क्या लगता है इसमें क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तीसरा हम करेंगे जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं हमारे, जो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे, जो करंट में भी चल रहे हैं, और जैसे कोई कमिटी बनी है या मान लीजिए एक्सपेंडिचर की कोई कमिटी है या सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर की कोई कमिटी है, जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा तो वो करंट अफेयर्स में ही मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कोई मेरे मतलब मैंने जो एस्टिमेट लगाया वो होगा कि 10-12 टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हम जब ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एंटी डिफेमेशन और जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उसके बाद हम ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंटली करेंगे और फिर क्वेश्चंस। और टेस्ट मैं अब नहीं लूँगी, इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं दिखता मेरे को। पेपर बांट दूँ और अगले दिन आप लोग कुछ भी टिक करके आ गए तो वो यूज़लेस लगता है। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है, तो पढ़ाई अब अगर आपने करनी है, क्योंकि कुछ ही टाइम 20 या 15 दिन और हैं, तो ये पॉलिटी अगर जब तक हम पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो पॉलिटी अपने हिसाब से भी। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट होगा क्योंकि अब बैच तो आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा ये वाला, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो पॉलिटी। जो अभी आप घर जाते हो एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर क्वेश्चन पूछने तो पूछो, इस तरह से कर दो स्टार्ट पॉलिटी को पढ़ना। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। अब और कोई एक्ट है जो करंट में है जो हमने पढ़ी नहीं? एक्ट जैसे आरपीए तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा कोई और टॉपिक्स देखना, न्यूज़पेपर में भी देखना अगर कुछ लगता है जो यहाँ डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैव बीन वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ द स्टेट? ठीक है, गवर्नर के पावर्स के बारे में बात कर रहा है। द पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्राइव द क्राइम। ठीक है, अब इसमें कहीं भी डेथ नहीं सेंटेंस लिखा, कहीं भी स्टेट लॉ नहीं लिखा, कहीं भी यूनियन लॉ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिमिट अ सेंटेंस। ठीक है, दूसरा है द पावर टू विथहोल्ड असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और तीसरा है द पावर टू प्रोमोलगेट द ऑर्डिनेंसेस। क्या पावर्स हैं गवर्नर के पास? पहला देखते हैं, द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिप्राइव, क्या ये पावर है गवर्नर के पास? है। ठीक है, डेथ सेंटेंस अगर लिखा होता तो वहाँ पे पार्डनिंग पावर नहीं आती। दूसरा, द पावर टू विथहोल्ड असेंट टू अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर है। हाँ, कितने टाइम सॉरी कौन सा आर्टिकल है? कोई भी चीज़ करने के लिए 200। ठीक है, 111 किसका था? प्रेसिडेंट का था, 200 आपके गवर्नर का। हाँ कर सकता है, ना कर सकता है, ये कर सकता है। तीसरा, द पावर टू प्रमोलगेट द ऑर्डिनेंसेस है, जिन लॉज पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है उसी लॉ पे बना सकता है ना ऑर्डिनेंसेस गवर्नर। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, इसके बाद हर उसमें नहीं चाहिए होता है, हर ऑर्डिनेंस में नहीं चाहिए होता, अपने स्टेट लेवल पे बना सकता है वो ऑर्डिनेंस। ठीक है, द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीएम ऑफ द स्टेट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि सीएम की जगह पे कौन होगा? गवर्नर होगा। द हाई कोर्ट जजेस आर रेकमेंडेड बाय अ कोलेजियम कंप्राइजिंग द सीजीआई एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। ट्रू और फॉल्स? फिर से पढ़ती हूँ, द हाई कोर्ट जजेस आर रेकमेंडेड बाय अ कोलेजियम, कोलेजियम सिस्टम जो था, कंप्राइजिंग द सीजीआई एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। फॉल्स बोल रहे हो आप? फॉल्स बोल रहे हो, क्यों फॉल्स क्यों होगा? नहीं नहीं, दो ही थे, चार थे सुप्रीम कोर्ट वाले में, हाई कोर्ट वाले में दो ही थे। ठीक है, तो ये आपका सही है। अच्छा, एक बार स्टेट लिस्ट खोलो, पीछे मिलेंगे आपको स्टेट सब्जेक्ट।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ पे, किस लिस्ट में ऐड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? स्टेट लिस्ट में है, देखो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है, 32 सब्जेक्ट एंट्री है ये स्टेट लिस्ट की। क्वेश्चन आ चुका है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो एंट्री 32 है स्टेट लिस्ट में, यही लिखा आया था यूपीएससी में। ठीक है, तो ये याद रखो। दूसरा जो आपका है वो है आपका स्टेटमेंट कहता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे आर रेगुलेटेड बाई द यूनियन गवर्नमेंट। ये सही है, जिस स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी वो तो उसको स्टेट गवर्न करेगा, लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी उनको कौन गवर्न करेगा? आपका यूनियन गवर्नमेंट। ये सारे अपेंडिक्स मार्क कर लेना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मेजर आर्टिकल्स पता होने चाहिए, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। One person can be appointed as governor for two or more states. Yes? True hai? The governor is bound to act on aid and advice of the state council of ministers headed by the CM on every matter. False. Kyun? Kyunki constitution ke article 164 mein likha hua hai ki apne discretion mein bhi act kar sakta hai governor. Hai na? Except on his discretion. He is to act on aid and advice of the council of ministers headed by CM. इसलिए कुछ केसेस में वो अपने डिस्क्रिशन में भी एक्ट कर सकता है, इसलिए हर मैटर में उसको बाइंडिंग नहीं है कि एड एंड एडवाइस लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 324। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हुआ कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, जिस दिन इलेक्शंस का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन करता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी हो जाता है, आचार संहिता बोलते हैं जिसको। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अपने रूल्स बना सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के पावर्स में पढ़ा था उस दिन हमने कि रूल्स बना सकता है कंडक्ट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन कहीं भी कि मॉडल कोड में क्या क्या होगा ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 324, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी है, उसके लिए एक लॉ बनाया गया है और उसके तहत ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बाद दूसरा है, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शंस। ये सही है, याद रखना पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन से डील कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ेंगे कि जो आपका पार्ट 15 है वो टोटल जो है वो इलेक्शन से डील कर रहा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर इंजॉयड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर इंजॉयड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउसेस। हाँ बता, कौन किसके पास पावर्स हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के, किसके पास नहीं है? पहला मेंबर्स ऑफ लोकसभा के पास है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, अभी मैंने बताया क्योंकि उनके पास सेपरेट इम्यूनिटीज और पावर्स हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा, कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट हाउसेस। यार एक बात बताओ, हो गई ना, जब पार्लियामेंट्री हाउसेस की तो कमिटी है ना, उन्हीं के मेंबर्स होंगे तो हो गई,
इनके लिए कोई सेपरेट थोड़ी बने कि कमिटी के जो मेंबर्स उनके लिए अलग प्रोविजंस बने, नहीं, एट द एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ हाउसेस ओनली ना. ठीक है. अच्छा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. एजुकेशन कंकरेंट में आता है. देखो खोलो, सिंपल सा है क्वेश्चन, लिखा ही हुआ है एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. खोलो कंकरेंट लिस्ट. देखिए अब इधर पे ना जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, जिन्होंने 4-5 साल से पढ़ाई की होती है. ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, इसलिए लिस्ट करके जाना. ठीक है, एक ही तरीका है आपको करने का कि लिस्ट सिस्टम भी पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा आपको. सेकंड कह रहा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एजुकेशन कैन बी फाउंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस रिलेटिंग टू एजुकेशन कैन बी फाउंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये तो चार पढ़ा है आपने फंडामेंटल राइट्स, आपसे पूछ रही हूँ पढ़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स 10 से पहले आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स. अभी मतलब आप आए नहीं क्लास में जब भी मैंने फंडामेंटल राइट, पिछले बैच में भी फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा आपने. आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, आप ही बता दो फिर. ठीक है, 21A जो एजुकेशन से डील कर रहा है. ठीक है, तो पार्ट 3 में आता है. पार्ट 4 में आता है एजुकेशन, DPSP में है एजुकेशन लिखा हुआ है. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी एजुकेशन के मेंशन है. ठीक है, एजुकेशन सारी चीज़ों में मेंशन है, ये याद रखना. और ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, स्टेट और यूनियन दोनों मिलके लॉज बना सकते हैं इस पर. हाँ चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है 200 और प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है 111. ठीक है, तो वीटो पावर मतलब हाँ ना ये सब कहने का पावर जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में. तो दिस इज ट्रू. आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर विथ रिगार्ड टू असेंट गिवन टू बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. कौन सा आर्टिकल है ये? बिल्कुल. और आर्टिकल 112 क्या है? बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब आपको जब एग्जैक्टली पता होगा आर्टिकल 112 क्या, आपको स्टेटमेंट तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये गलत है. और जिनको नहीं पता होगा उनको लग रहा होगा कि 111 प्रेसिडेंट का तो 112 गवर्नर का हो सकता है. बट इतने बेवकूफ़ कोई होता नहीं है क्योंकि अलग अलग मेंशन किया है हमने, स्टेट लेजिस्लेचर अलग पार्ट में, यूनियन लेजिस्लेचर अलग पार्ट में, तो उनके सेट ऑफ आर्टिकल्स भी जो हैं वो डिफरेंट हैं. अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट. पढ़ा हुआ है ये चैप्टर हमने, आप भी थे इस चैप्टर में मुझे याद है अच्छी तरह. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नहीं पढ़ा हमने, फ्री लीगल एड, नालसा, ग्राम न्यायालय, ये सब पढ़ा हमने चैप्टर में. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987. पहला डिसेबल्ड पर्सनस, ट्रू, फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए उनको. दूसरा मेंबर्स ऑफ SC ST, ये भी ट्रू है. ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस है. तीसरा इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो लेबर लॉस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, अब इनको बोला जाता है कि इनको सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, इनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता. चौथा विक्टम्स ऑफ मास डिजास्टर, ये भी ट्रू. नहीं, ट्रू है. देखो ना, मास डिजास्टर मतलब जैसे अभी कोविड का टाइम देख लेते हैं, या मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ जिसमें अननेसेसरी लोग मारे गए, तो वो जो जैसे गरीब झुग्गी वाले लोग थे, मैंने एग्जांपल देखी भी बताया था आपको, गैस ट्रेजेडी वाला भोपाल की, है ना, बताया था, नहीं बताया था? तो उसमें वो जो झुग्गियों में लोग रह रहे थे वो थोड़े अब लड़ सकते हैं, तो उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना, तो वो ही लड़ता है उनके केसेस. तो ये भी हो गया. तो ये चारों हैं, 1, 2, 3, 4, ये नो ब्रेनर क्वेश्चंस होते हैं, नो ब्रेनर. अगर इसमें आपको दिख गया कि कोई भी क्लास जो है वो थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू अदर जनरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टिक कर दो, नो ब्रेनर क्वेश्चंस हैं ये. ठीक है, कल यार प्लीज़ JK वाला पेपर ले आना. है आपके पास प्रीलिम्स वाला?
फिर तो मैं ही करा लूँगी, किसी के पास है पेपर यहाँ पे? एक बार सर से भी पूछना अगर सर के पास होगा पिछले साल वाला तो। इसके साथ वो एक और पॉइंट ऐड कर लो, हम जेके का मेंस और प्रीलिम्स दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्री है तो प्री का ही बोल रही हूँ, पहले प्री ही डिस्कस करेंगे। हाँ मेंस का तो करा ही लो, आप प्रिंट आउट आपको भी काम आएगा ना वो, ले आना फिर, ठीक है? दोनों चीज़ ले आना, तो एक एक दिन डिस्कस वो भी करेंगे। एक तो पहले प्रीलिम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर मेंस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में वो भी। पेपर टू होता है ये? हाँ भी पेपर टू ही है ना? हाँ तो ठीक है, वो दोनों पेपर्स ले आना, एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए लेवल किस लेवल पे बैठना है ना। चलिए हाँ, अच्छा नेशनल ह्यूमन राइट्स अभी पढ़ा नहीं हमने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिम्बल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज इज रेगुलेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसमें सिंबल्स की बात हुई है, ये तो इलेक्शन कमीशन का पावर ही है ना अलॉट करना, ठीक है? दूसरा, द इलेक्शन कमीशन इज द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग राइवल ग्रुप्स और सेक्शंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज टेकिंग क्लेम टू इट्स नेम एंड सिंबल। ट्रू, ये जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था कि इलेक्शन, अगर पार्टी के अलॉटमेंट में कोई भी इशू आया आपको कि हमें आपने दो लोगों को सेम सिंबल दे दिया या हमें कमल नहीं चाहिए हमको ये वाला फूल चाहिए, तो कौन डिसाइड करेगा? वो कहीं और केस नहीं जाएगा कि पता चला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो केस कहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी इस चीज़ की, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये और कंफ्यूजिंग भी था, इसलिए ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, ये पढ़ा नहीं अभी हमने। डिफेक्शन भी अभी नहीं पढ़ा। ये आपको याद है मैंने पढ़ाया था इनर लाइन परमिट, एक बार बोला था मैंने। ये आपके मिज़ोरम नागालैंड असम में है, ये कुछ एरियाज़ में जहाँ पे आपको परमिट लगता है गवर्नमेंट से उन एरियाज़ को विज़िट करने के लिए। इसमें कोई भी रीज़न हो सकता है, ट्राइबल एरियाज़ हो सकता है, सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कहता है, विथ रेफरेंस टू द इनर लाइन परमिट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट अलाउज इनवर्ड ट्रैवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन इनटू अ प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। सही है एकदम, इंडिया का ही सिटीजन हो आप लेकिन फिर भी आपको इंडिया के कुछ एरियाज़ को विजिट करने के लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट लगता है गवर्नमेंट से, ठीक है? कि आपको यहाँ किस परमिशन पे आए हो आप। क्यों रखता है? क्योंकि वो स्टेट्स या तो इंटरनल सिक्योरिटी से प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, इसलिए आपकी एंट्री नहीं करने दे रहे, या फिर मान लीजिए वहाँ पे ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको ट्राइबल एरिया में नहीं जाने दे रहे। तो ये किस फंडामेंटल राइट के लिए रिस्ट्रिक्शन है? आर्टिकल 19, राइट टू मूव फ्रीली। पढ़ाया हमने राइट टू मूव फ्रीली फंडामेंटल राइट्स में, उसका एक रिस्ट्रिक्शन है ये। हमने उसमें बोला था कि आप किसी भी स्टेट में जाके मूव कर सकते हो इंडिया के, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी सेटल हो सकते हो, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, कहीं भी इंप्लॉयमेंट ले सकते हो, ये आर्टिकल 19 में आता है आपका। तो ये आर्टिकल 19 के लिए रिस्ट्रिक्शन है इनर लाइन परमिट, क्वेश्चन ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री। फॉल्स, ये सारे ट्राइबल एरियाज में इनर लाइन परमिट है? नहीं, ये सिर्फ चार स्टेट्स में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, कई बारी निकाल भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे बीच में असम को निकाल दिया था इनर लाइन परमिट रिक्वायरमेंट से, अब फिर से डाल दिया है। तो कुछ स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कभी रहते हैं इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट में, कभी नहीं रहते हैं, ठीक है? तो ये सारे ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेना, इनर लाइन परमिट लिख लो। अब ये तुमको फर्स्ट पेज पे लिख लेना चाहिए लक्ष्मीकांत के, पहले पेज पे, हाँ यहाँ 1 2 3 बना के, और जाके गूगल करना आप घर जाके इनर लाइन परमिट क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22, प्रिवेंटिव डिटेंशन का सेकेंड प्रोविजन। The grounds of detention are not communicated to the detainee. In some conditions,
लेकिन बताना तो पड़ेगा ना. अब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कुछ कंडीशंस में, तो ओवर स्मार्ट बनना मत वहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ ये क्वेश्चंस गलत किए ना तो बहुत गलत होगा. इसमें सिंपल लिखा हुआ है द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आर नॉट कम्युनिकेटेड टू द डिटेनो, तो ये गलत बात है. क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस के साथ देखो तो ये चीज़ तो होनी चाहिए ना कि आपको ग्राउंड्स बता. अब कुछ केसेस में नहीं बताना, वो एक्सेप्शन है, वो इन्होंने लिखा होना चाहिए. अगर नहीं लिखा है तो जो लिखा है उसको सही गलत बोलो, ठीक है. तीसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस. प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस. ये ट्रू है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप घर के लोगों को भी प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हो और आप एलियंस को भी प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हो. तो ये जो तीन पावर्स दिए गए थे कि आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर भी देना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों आपको किया है, तो ये आपके जो प्रोविजंस हैं ये आपने एलियंस को भी दिए. अच्छा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल थे? ये पाँच हैं जो सिर्फ ओनली टू सिटीजन्स हैं. इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है. सिर्फ ये पांच ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल. ये आपको चैप्टर ऑफ सिटीजनशिप में पहले पेज पे मिल जाएगा. छठवां चैप्टर है, पाँचवा चैप्टर है सिटीजनशिप का. मत लिखो, मत लिखो, मिलेगा. सिटीजनशिप वाला चैप्टर खोलो, सिक्स चैप्टर खोलो. ठीक है, ये आपको ये पांच याद होने चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, बाकी सारे सिटीजन्स और नॉन सिटीजन. ये भी यूपीएससी सवाल पूछोगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये डायरेक्ट. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग. अब ये हम हर दिन करेंगे, समझ आ रहा है? माइंड थोड़ा स्टिम्युलेटेड रखो, है ना. सिर्फ ऐसे 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 करके नहीं चलेगा काम, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है. पहला, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू, किसी भी हाउस में हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में ही होगा. स्टेट लेजिस्लेचर से इनिशिएट नहीं होगा. पिछले बैच में भी 50 बार वो बोला है मैंने, ये आप लोगों से भी बोल रही हूँ, गलती मत करना इस क्वेश्चन में. लोकसभा से भी इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा से भी इनिशिएट हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में ही होगा. स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट नहीं कर सकता. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. फॉल्स, क्योंकि तीन तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है. उसमें पहला तरीका क्या था? सिंपल मेजॉरिटी वाला ही था. बस आर्टिकल 368 में नहीं आएगा वो, ये याद रखना है आपको, ठीक है. जब पढ़ोगे ना, अभी आपको नया लग रहा होगा ऑब्वियसली क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये बातें ध्यान में रख के पढ़ना कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. चलिए, तीसरा, इन केस ऑफ डेडलॉक देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग. फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन है वो नहीं है. और एक और बात याद रखने वाली थी कि प्रेसिडेंट को हमेशा असेंट में हाँ बोलना ही बोलना पड़ेगा. मस्ट गिव इज असेंट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. चलिए ठीक है, कल हम ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है.